हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? कैसे हो एवरीबॉडी? अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ जाओ क्लास में, आ जाइए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। थोड़ा सा ये कैमरा अजीब लग रहा है यार, क्या हो गया? आज मेरा जैसे ही पता है इतनी देर, पता है ये दिस आई डोंट अंडरस्टैंड, इतनी देर से पता है सारी चीजें ठीक चल रही थी, इतनी देर से जैसे ही क्लास का टाइम हुआ ना, देन द इंटरनेट स्टॉप वर्किंग। लाइट भी तभी जाएगी, बत्ती भी तभी जाएगी, इंटरनेट भी तभी जाएगा, जब क्या है इतनी देर से कुछ नहीं चल रहा। यूट्यूब चलाना है चला लो, वो सब चलाना है चला लो, जैसे ही आपको लाइव जाना हुआ ना, उसके 1 मिनट पहले ऐसा षड्यंत्र रचता है ये इंटरनेट और ये क्या है बत्ती। मैम आज आप पतले क्यों लग रहे हो, टायर्ड हो? नहीं नहीं बेटा, नहीं, कैमरा का एंगल थोड़ा ज्यादा अच्छा हो गया होगा इसलिए शायद ज्यादा पतली लग रही हो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो आ जाओ, आज क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हो बताओ? क्या स्क्रीन पे क्या पढ़ रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी पीडीएफ अपलोड करने का 1 मिनट दे दो, तब तक टाइम पास मत करना, बातें भी मत करना एक दूसरे से, एकदम चुपचाप बैठे रहना अच्छे बच्चों जैसे, ठीक है? एकदम गुड गुड स्टूडेंट्स जैसे। यस ओके नो ओहो, स्पैमिंग बहुत ज्यादा मेरे अगेंस्ट, तुम लोग षड्यंत्र रचने की ट्राई मत करो। इंटरनेट लाइट सारे मेरे अगेंस्ट है, कम से कम तुम तो मेरे फेवर में रहो, है होशियारी देते हो मुझे। आ जाओ बच्चों, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। मैं आपको मेरा जो मन कहता है वो मैं बताऊंगी। मेरे हिसाब से ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज में पिछले 2 अटेम्प्ट से कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्वेश्चन नहीं आया, पर इस बार ऐसा मुझे लगता है कि पूरी 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 100% मुझे उम्मीद है कि इस बार पूरे ऑडिट ऑफ डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही थी मैं पेपर सेट नहीं करने वाली, पर मैं अपने मन की बात आपको बताने वाली हूँ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज में से। ऐसा मुझे फिर बोलोगे मैडम ने कहा था इसी में से आएगा और इसी में से आया नहीं, ऐसा बात नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे मन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मुझे अब पता नहीं इंस्टीट्यूट को लगता है कि नहीं, पिछले 2 अटेम्प्ट से उन्होंने इस पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं पूछा, पर मुझे ऐसा लगता है इस बार इस पॉइंट में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? ओके, इस बार नेट का बिल नहीं आ रहा बेटा, पेमेंट ही नहीं मिल रही बेटा, बता दे क्या कर है, बता रहा है जीवन देख रहा है तू, कोई साथ नहीं, पेमेंट भी साथ में दे रही, देख रहा है तू? मैम लगता है कुछ बच्चे भूल गए आना, मैं बुला के लाऊं? रुको रुको रुको, चलो एक काम करती हूँ, एक काम करती हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपके जो बैच है उसमें ये लिंक फॉरवर्ड कर देती हूँ। आपके दोस्त लोग हैं क्या यार? आधे बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता, अब एससी पे चल रहा है अपना ये ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, खत्म हो जाएगा कल, 2 दिन में कंपनी ऑडिट खत्म हो जाएगा, फिर आइटम्स ऑफ एफएस है, कितनी बार बताना पड़ता है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। या तो बच्चे आधे लेक्चर्स को भूल कर देते हैं बीच में से, 1 मिनट रुक जाओ, सारे सारे ठंड रख लेना, 2 मिनट के लिए ठंड रख लेना, बातें चीते मत करना बिल्कुल, है भेजती हूँ तुम्हारे, इसमें कहाँ गया तुम्हारा ये, आंखों में भी आंखें भी साथ में दे रही है, ऐसा लग रहा है पावर लगेगा, तुम लोगों की वजह से मेरे को चश्मा लगेगा, याद रखना तुम इस बात को। चलो भेज दिया मैंने लिंक, चलो आ जाओ, किस जिसको पढ़ना होगा वो आ जाएगा, अब जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको पढ़ना ही नहीं है उसका मैं क्या कर लूं, है आ जाओ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके ओके ऑल राइट, चलो आ जाओ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम दृष्टि देंगे आपको, है बड़े दृष्टि दे रहे हो, चकमा जरूर दे दो तुम लोग मुझे। मैम आपके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे रिविजन के लिए? पारस पारस बेटा सारे नहीं मिलेंगे, सारे ना अनअकैडमी पे मिलेंगे, ये तो कुछ बेचारे अनअकैडमी पे जो नहीं ले पाई वो यहाँ पे ले रही हूँ, सारे नहीं मिलने, यहाँ सारे प्लस पे मिलने हैं, ठीक है? मेरे से पढ़ना है तो तुम आ सकता है प्लस में, आ जाओ ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सारे बच्चे ध्यान देंगे अब क्लास में, मेरे को देख रहे हो मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मुझे ही आ रहा है, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दीपिका राठीज लाइव, मैं ही लाइव हूँ, मेरे को नोटिफिकेशन दे रहे हैं, बताओ कैसे होगा बेटा, कैसे होगा ये, है आ जाओ, चलो आ जाओ एवरीबॉडी लेट्स गेट स्टार्टेड। सबको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बिल्ड करके वे आगे जाएंगे, आज की क्लास में एकदम कड़क तरीके से पढ़ लेंगे। चलो मुझे बताओ सबको पता है यह कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? नहीं पता है, किसी ने भी नहीं बोला पता है हमें, मैं आप लोगों को बताती हूँ बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन वाले लोग हैं ये लोग मिलकर साथ में आकर म्यूचुअल हेल्प के लिए काम करते हैं, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए, कोऑपरेट मतलब एक दूसरे को सहारा देने के लिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जाती है म्यूचुअल हेल्प के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए। ये लोग जो पैसा कमाते हैं वो एक दूसरे से, मतलब बेसिकली मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैंने
अपना सामान उगाया, एग्रीकल्चर उगाया, और मैंने मेरे ही किसी मेंबर को आगे बेच दिया, मेरा मेंबर अपने ही मेंबर को आगे दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल हेल्प से काम कर रहे हैं ताकि कोई हमें लूटे ना, जैसे हमें ज्यादा पैसा ना पे करना पड़े। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी म्यूचुअल हेल्प के प्रिंसिपल पे काम करती है, जहां सोसाइटी के वीकर सेक्शन वाले लोग जिन्हें जरूरत है वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आपके हमारे कंट्री के अंदर सेंट्रल एक्ट बना हुआ है इसके ऊपर, मतलब सेंट्रल एक्ट मतलब ऐसा एक्ट जो पूरे के पूरे भारत देश पे लगता है। तो भारत में अगर कहीं पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाए, इंडिया में कहीं पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बन जाए, तो ये सेंट्रल एक्ट लगेगा उसपे। क्या है, सेंट्रल एक्ट लगेगा, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये एक सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल एक्ट मतलब सबको पता है, लॉ में पढ़कर आए, व्हाट इज अ सेंट्रल एक्ट, एक्ट मतलब सेंट्रल एक्ट, ऐसा एक्ट मतलब भारत में कहीं पे भी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बनाते हो, केरला से लेके बीकानेर से लेके कहीं पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, तो उसपे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगेगा। बट कुछ कुछ स्टेट्स हैं हमारे, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, अब ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं। अब ये स्टेट्स के पास क्या हो गया, ये जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स के पास ये राइट है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अगर इन स्टेट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है ना, तो इनके स्पेसिफिक स्टेट एक्ट्स हैं। क्या है, इनके अंदर स्टेट एक्ट्स बने हुए हैं। मतलब अगर भारत में मान लो कहीं पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, उसे सेंट्रल एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। बट स्पेसिफिकली कुछ कुछ स्टेट ने अपने स्टेट एक्ट्स भी बनाए हैं, जैसे महाराष्ट्र में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो उन्हें इस स्टेट एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो थोड़े बड़े बड़े स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इनके अंदर स्टेट एक्ट्स बने हुए हैं। तो अगर इस स्टेट में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो तो स्टेट एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया क्या एवरीबॉडी? अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया, एक बैकग्राउंड बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई जाती है। फिर मैंने एक बेसिक सी चीज आपको बता दी कि यार वैसे तो आपको सेंट्रल एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, बट कुछ कुछ स्टेट्स जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन्होंने स्टेट एक्ट्स भी बनाए हैं कि यार हमारे स्टेट में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो ना, तो इस स्टेट एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट के एक्ट्स नहीं है, कुछ कुछ स्टेट के कोई एक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, या ये क्या बोल रहा तू, मेरी चैट अब चली है? अच्छा चलो, आजो 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 आजो। सबसे पहले हम सेक्शन 17 पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का। क्या पढ़ोगे? सेक्शन 17। सुनो, इधर उधर टीवी देख रहे हो, कच्चा बादाम, व्हाटएवर बादाम, आजकल गाने गुने सुनते हो तुम लोग, सब सब छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। सेक्शन 17 क्या बोलता है? सेक्शन 17 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या कहता है? सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, सेक्शन 17 क्या बोलता है सुनो। सेक्शन 17 कहता है कि जो रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, रजिस्ट्रार शैल ऑडिट, वो ऑडिट कर लेगा, या फिर वो किसी आदमी को ऑथराइज कर देगा जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके लिखित में कोऑपरेटिव सोसाइटी की हर साल ऑडिट करने के लिए। समझ में आ गया? सेक्शन 17 का पहला सबसेक्शन 1 क्या कहता है, यार या तो रजिस्ट्रार ही कर देगा ऑडिट, जो रजिस्ट्रार है ना आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वही आके आपकी ऑडिट कर देगा, या फिर वो किसी आदमी को ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर पास करके ऑथराइज कर देगा कि जब तू कर दे वहां की ऑडिट एवरी ईयर। ओके मैम, व्हेन विल यू हेल्प इन प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉर मेड योर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट केम जस्ट नाउ? बेटा, सो मेनी स्ट्रेटजी सेशंस आई हैव टेकन। आज मैं ग्रुप वन पे मई 2022 लॉ की स्ट्रेटजी सेशन ले रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे स्ट्रेटजी सेशन आपके ऑलरेडी अपलोड किए बेटा जी, ऐसे अच्छा नाम ही तूने ऐसे रख लिया है, वाह ऑडिट से इतना प्यार, नाम ही मैं ऐसे रखूंगा, मेरा नाम ही ऐसे है, है? या तो क्या बोला मैंने, या तो रजिस्ट्रार ऑडिट कर लेगा, रजिस्ट्रार नहीं तो रजिस्ट्रार किसी को ऑथराइज कर देगा कि जा रहे नहीं तू कर दे यार बहुत हो रहा है, जा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की तुम ऑडिट कर दो, तो रजिस्ट्रार ऑथराइज कर देगा किसी को, ऑर्डर पास करके बोलेगा जा तू ऑडिट कर दे उसकी हर साल। ओके, द ऑडिट अंडर सबसेक्शन 1 शैल इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट। इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को मैं वापस लेकर आऊंगी, रिपीट करूंगी। जब आप ऑडिट कर रहे होगे ना कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो आप ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करोगे, रिपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे डेट्स जो कुछ टाइम से ड्यू हैं, आप उनकी एग्जामिनेशन करोगे, वहां के वैल्यूएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन को भी एग्जामिन करोगे। ठीक है, ये दो पॉइंट स्पेसिफिकली आगे जाके भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आशु, आ जाओ।
वाईफाई नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, यहाँ से स्टार्ट कर लो। पहला सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, एक रजिस्ट्रार ऑडिट करेगा या रजिस्ट्रार ऑथराइज कर देगा कि भैया तू जाके ऑडिट कर दे, पहली चीज। दूसरा, जब आप ऑडिट करेंगे तो आप ओवरड्यू डेट्स को, मतलब जो डेट्स अभी तक वापस आपको जिन पे पैसा नहीं मिला है, उसे एग्जामिन करोगे और आप एसेट और लाइबिलिटी के वैल्यूएशन को चेक करोगे। तीसरा पॉइंट कहता है या तो रजिस्ट्रार ऑडिट कर ले या कोई कलेक्टर या जो भी आदमी आप ऑथराइज कर रहे हो ऑडिट करने के लिए, उसके पास एक्सेस रहेगा किसका, बुक्स अकाउंट्स पेपर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एवरी ऑफिसर, जिससे भी आप, जो सोसाइटी का ऑफिसर है उससे जो भी आप इंफॉर्मेशन मांगना चाहो ऑडिट के पर्पस के लिए तो मांग सकते हो। समझ में आ गया एवरीबॉडी, समझ में आ गया? तो मैंने आपको क्या बताया, बेसिक चीज आपने सेक्शन 17 के बारे में पढ़ी, छोटे छोटे तीन पॉइंट्स पढ़े, ज्यादा ऐसा कोई मेजर पॉइंट्स तो थे ही नहीं। पहला पॉइंट क्या था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की या तो रजिस्ट्रार ऑडिट कर देगा या फिर वो किसी पर्सन को क्या कर देगा, ऑथराइज कर देगा कि जा तू कर दे बाकी ऑडिट। ठीक है, सबसेक्शन 2 ने क्या बोला आपको कि जब भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करेंगे आप ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करोगे, ऐसे डेट्स जिन पे पैसा आपको अभी तक मिला नहीं है, ओवरड्यू डेट्स को आप एग्जामिन करोगे, एसेट और लाइबिलिटीज के वैल्यूएशन को भी आप चेक करोगे। और सबसेक्शन 3 क्या कहता है बता दे बेटा, कहता है कि जो भी ऑडिटर ऑडिट करे, चाहे वो रजिस्ट्रार करे या फिर रजिस्ट्रार ने अगर किसी दूसरे आदमी को ऑथराइज कर दिया ऑडिट करने के लिए, जो भी ऑडिट करता है उसे क्या करना पड़ेगा, उसके पास एक्सेस रहेगा, एक्सेस टू ऑल द बुक्स डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऑल द बुक्स डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स का एक्सेस रहेगा, आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहो ऑडिट के लिए आप मांग सकते हो। एवरीबॉडी अंडरस्टूड सेक्शन 17? कुछ भी नहीं था सेक्शन 17, 17 से नो खतरा, वेरी इजी सेक्शन, नो इजी, नो खतरा एट ऑल, राइट? ओके बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे, आओ। ओके, अब कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं कि जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करते हैं तो किन चीजों को माइंड में रखेंगे। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, मतलब जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करने जाओगे तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, मुझे एक बात बताओ, अपार्ट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, सम ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स हैव परमिटेड पर्सन होल्डिंग। तो कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कर ही सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कर ही सकता है, बट कुछ स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स के हिसाब से। मैंने आपको क्या बोला था, कुछ स्टेट के अपने एक्ट्स हैं, क्या महाराष्ट्र का अपना स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है, वेस्ट बंगाल का, ओडिशा का, कुछ स्टेट्स का अपना एक्ट है। तो कहता है कुछ स्टेट्स ने परमिट किया है दूसरे लोगों को कि आप भी ऑडिट कर सकते हो, अगर आप सीए नहीं हो तो भी आप ऑडिट कर सकते हो, कुछ स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स ने परमिशन दिया है दूसरे लोगों को ऑडिट करने के लिए, अगर आप सीए नहीं हो तो भी ऑडिट कर सकते हो। पर आपको क्या होना पड़ेगा, आपके पास एक गवर्नमेंट डिप्लोमा होना पड़ेगा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स और इन कोऑपरेशन में या कोऑपरेटिव अकाउंट्स में आपके पास गवर्नमेंट का अगर डिप्लोमा है तो। ठीक है, गाइस थैंक यू नकुल, थैंक यू बेटा। मैंने क्या बोला, अगर आपके पास गवर्नमेंट का डिप्लोमा है किसमें, कोऑपरेटिव अकाउंट्स में या कोऑपरेशन में गवर्नमेंट का डिप्लोमा है एंड अकाउंटेंसी में भी है एंड ऑल्सो अ पर्सन हु हैज सर्व्ड एज एन ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज एन ऑडिटर काम कर चुके हो, गवर्नमेंट का, भारत की गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसमें आप एज एन ऑडिटर अगर काम कर चुके हो तो आप एक्ट कर सकते हो एज एन ऑडिटर। ठीक है, ओके बेटा। तो मैंने तुमको क्या बोला, क्वालिफिकेशन, सबसे पहले कोऑपरेटिव ऑडिटर बनने के लिए सीए तो देखो कर ही सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन रोक सकता है हमें, हम तो करेंगे ही, पर कुछ स्टेट एक्ट्स ने, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स जैसे वेस्ट बंगाल में अपना एक्ट है, उड़ीसा में अपना एक्ट है, इन्होंने ना कुछ दूसरे लोगों को भी परमिशन कर दी, दे दी कि आओ आओ तुम भी ऑडिट करो। किन लोगों को दे दिया, अगर आपके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा है किसमें, या तो हो सकता है कोऑपरेशन में या कोऑपरेटिव अकाउंट्स में या फिर अकाउंटेंसी में, अगर आपके पास गवर्नमेंट का डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कर सकते हो, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव अकाउंट्स या फिर अकाउंटेंसी में। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, अगर आप गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट है उसके कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के एज एन ऑडिटर काम कर चुके हो तो आप भी ऑडिट कर सकते हो। बट मैम डिप्लोमा के लिए वो सब क्वालिफाई कैसे होते हैं, देखो बेटा एक बात बता, हम यहाँ कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं।
कंपनी की ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई और कर सकता है क्या? हमने क्या पढ़ा था, कंपनी की ऑडिट, हमने क्या पढ़ा था, एक अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी की ऑडिट सिर्फ सीए कर सकता है, बट यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सेंट्रल एक्ट ने क्या बोला है कि सीए कर लेगा, बट कुछ कुछ स्टेट कोऑपरेटिव जो है, स्टेट एक्ट्स, जो स्टेट्स ने अपने एक्ट्स बनाए, उन्होंने दूसरे लोगों को भी थोड़ी ऑथराइजेशन दे दी कि जैसे अगर तेरे पास गवर्नमेंट का डिप्लोमा है अकाउंटेंसी में या कोऑपरेटिव अकाउंट्स कोऑपरेशन में, तो आप ऑडिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर आप गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज एन ऑडिटर काम कर चुके हो पहले, तो तुम ऑडिट कर सकते हो। सबको समझ में आ गया? इसमें कई बार तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके बेटा। अच्छा, ये अगर तुमने नहीं बताया, मेरे से खाओगे डांट। हेलो मैडम, हेलो बेटा। अपॉइंटमेंट ऑफ अ ऑडिटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, जरा बताना। मेरी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सोसाइटी है, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा जरा बताना। शर्म नहीं आती, जवाब नहीं दे रहे तुम। हेलो मैडम, कोई बात नहीं बेटा। आशु, कर दी ना गलती। अंशिका, तुमने भी गलती कर दी। मैंने तुम्हें सेक्शन 17 में क्या सिखाया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर या तो रजिस्ट्रार करेगा, या रजिस्ट्रार स्पेशल या जनरल ऑर्डर पास करके किसी को ऑथराइज कर देगा कि जा तू कर दे ऑडिट। क्या बोला था मैंने, या तो रजिस्ट्रार कर लेगा या रजिस्ट्रार ऑथराइज कर देगा कि ऑर्डर पास करके भाई तू कर दे ऑडिट। मैंने बोला कि एक ऑडिटर जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इज अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार, या तो रजिस्ट्रार अपॉइंट कर लेता है, एंड द ऑडिटर, जो भी ऑडिटर ऑडिट करेगा रजिस्ट्रार के बिहाफ पे, वो अपनी एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भी सबमिट करता है। मान लो रजिस्ट्रार ने मुझे भेजा है ऑडिट करने के लिए, तो मैं ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी रजिस्ट्रार को भी भेजती हूँ। सारे बच्चे जो अभी अभी क्लास में आए हैं, आई ने भी ज्वाइन किया है, आई आई आई, सारे बच्चे जो अभी क्लास में आए हैं, मैं आप लोगों के लिए ब्रीफ कर देती हूँ मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया है। ठीक है, ठीक है, तुम तो क्लास में टाइम पे आओगे नहीं, मुझे रिपीट करना पड़ेगा बार बार। आओ, सारे बच्चों का ध्यान स्क्रीन पे रहेगा, नहीं तो खाओ पिटाई सारे सारे। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे करेगी ऑफ कोर्स बेटा ज्ञानेंद्र, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसकी ऑडिट हो रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कौन फीस पे करेगा, मैं क्यों करूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी ऑफ कोर्स। ओके, आज बेटा तो मैंने तुम्हें क्या बोला, सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला भारत में एक सेंट्रल एक्ट बना हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अगर भारत में कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, सारे बच्चे यहां ध्यान दे दो, भारत में एक सेंट्रल एक्ट बना है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरे भारत में अगर बनती है तो उन्हें इस सेंट्रल एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। बट कुछ कुछ स्टेट में एक्ट्स बने हुए, स्टेट ने भी अपने कोऑपरेटिव एक्ट बना रखे हैं, वेस्ट बंगाल ने, ओडिशा ने, महाराष्ट्र ने, बड़े बड़े जो स्टेट्स है ना, उन्होंने स्टेट एक्ट्स भी बनाए हुए हैं। मतलब कि अगर हमारे स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी तो हमारे स्टेट एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो सेंट्रल एक्ट फॉलो करना पड़ता है, पर कुछ स्टेट ने अपने एक्ट भी बना रखे हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ने इन स्टेट्स को लिवरेज दिए कि चलो तुम्हारे स्टेट में बनेगी तो तुम्हारा स्टेट एक्ट फॉलो कर लेगा। ठीक है, ओके। फिर मैंने तुम्हें बात किया सेक्शन 17 के बारे में, मैंने तुम्हें क्या एक बेसिक चीज बताई बेटा, 17 से नो खतरा, 17 बहुत ईजी सेक्शन है। सेक्शन 17 ने क्या बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कौन करेगा, या तो रजिस्ट्रार कर लेगा, या फिर रजिस्ट्रार किसी को ऑथराइज कर देगा, किसी आदमी को ऑथराइज कर देगा कि जा तू कर दे ऑडिट, मांगी ऑर्डर पास कर देगा और बोलेगा जा 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 तू कर दे ऑडिट। ठीक है, तो या तो रजिस्ट्रार ऑडिट करेगा या रजिस्ट्रार ऑथराइज कर देगा किसी और को, भैया जाइए आप ऑडिट कीजिए। अच्छा, जो भी ऑडिटर ऑडिट करेगा वो बैड डेट्स, ओवरड्यू जो बैड डेट्स है, जो डेट्स बहुत दिन से ड्यू पड़े हुए हैं, जिन पे पैसा नहीं मिल रहा, आप उसको एग्जामिन करोगे, आप वैल्यूएशन भी देखोगे एसेट और लाइबिलिटीज की, कि एसेट ठीक से वैल्यूड है ना, लाइबिलिटीज ठीक से वैल्यूड है ना, ये भी आप देखोगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इस पे कोई थ्योरी नहीं आएगा, जहां पे आएगा वहां पे बताऊंगी किस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो नॉर्मल बातें चल रही है अभी। सेक्शन 17 का थर्ड सबसेक्शन क्या कहता है, कहता है कि जो भी ऑडिटर ऑडिट करेगा उसके पास एक्सेस रहेगा, कहाँ का, बुक्स का, रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, सबका एक्सेस रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन वो ऑडिट के पर्पस के लिए चाहता है उसे प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आ गया सेक्शन 17? ओके मैडम। उसके बाद मैंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी का
ऑडिटर कौन बन सकता है बताओ, कौन ऑडिटर बन सकता है? देखो अपार्ट फ्रॉम सीए, सीए तो बन ही सकता है। कुछ स्टेट एक्ट्स ने क्या बोला, मैंने बोला ना कुछ कुछ स्टेट के अपने एक्ट्स हैं, तो कुछ स्टेट एक्ट्स ने क्या बोला, यार स्टेट एक्ट क्या कहता है, चल दूसरे लोगों को भी हम मौका दे देते हैं, परमिट करते हैं, अगर तेरे पास गवर्नमेंट का डिप्लोमा है ना अकाउंटेंसी में या कोऑपरेशन में या कोऑपरेटिव अकाउंट्स में, तेरे पास गवर्नमेंट का डिप्लोमा है क्या, हाँ तो तू भी कर ले ऑडिट। या फिर अगर तू गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अगर ऑलरेडी कुछ सालों के लिए ऑडिट कर चुके हो तो आप भी ऑडिट कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ऑडिट कर चुके हो तो आप ऑडिटर जैसे एक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई ऑडिटर अपॉइंट होने की बात। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर को अपॉइंट, मतलब ये तो अपॉइंटमेंट की बात हुई कि किसको करोगे, कौन अपॉइंट कर सकता है, रजिस्ट्रार, ऑफ कोर्स रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा। ये गंदे वाले स्माइली क्यों भेज रहे हो, हाँ होशियारी, मेरे अगेंस्ट होशियारी करने की ट्राई मारोगे तुम लोग अब हैं? गठबंधन पूछो एक क्वेश्चन तुमसे मैं, आओ सारे यहाँ पे ध्यान दिए, एवरीबॉडी बुक्स अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बात बता दे बेटा, एक बात बता दे, बताओ मैडम क्या बोलूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस पर ट्रू फॉल्स आता है, एमसीक्यू भी ट्रू फॉल्स आता है, मोटा मोटी ट्रू फॉल्स आएगा, ध्यान से सुनना। कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बुक्स क्या अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कभी सोचा है तुमने, पूछा मेरे से ये सवाल, मैडम अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है इन्हें क्या बुक्स मेंटेन करने पड़ते होंगे, इन्हें क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते होंगे? तो बच्चों अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन एच, सेक्शन याद नहीं रखना है, सेंट्रल एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि आप रूल बनाइए कि आपके स्टेट में अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो उनको क्या बुक्स और क्या अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ये याद रखना, इस पर ट्रू फॉल्स आता है। बताओ अब जैसे फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान में बन रही है तो सेंटर ने क्या बोला, सेंट्रल एक्ट क्या बोलता है, कहता है राजस्थान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वहां उनको क्या बुक्स क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं। मान लो वो बन जाता है, लेट्स से कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है पंजाब में, तो सेंटर ने क्या बोला है, सेंटर कहता है ए पंजाब गवर्नमेंट तुम डिसाइड कर ले, तेरे स्टेट में बनी है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी तो तुम डिसाइड कर कि इन्हें क्या बुक्स और क्या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो सेंट्रल एक्ट क्या बोलता है, सेंट्रल एक्ट बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारे स्टेट में बन रहा है ना एक, तुम डिसाइड करो क्या क्या मेंटेन करना है, हर जगह हम कुछ करें है? मैडम हम लेट हो गए मैडम मैडम मैंने पहली रिवीजन तो छोड़ भी दी, उसके बाद में आपने जो दूसरी रिवीजन कराई ना वो भी छूट गई मैडम है, रिकॉर्डेड देख लेना शुरुआत का जो तूने मिस किया है ना, पिटाई खाएगा नहीं तो अजय। आ जा बेटा कोई बात नहीं, ओके ओके ओके, दो मिनट ओके। पता है सबसे सबसे बैठने का सबसे तरीका पता है, हम इंडियन धर्म चाहे हम चेयर पे भी बैठ जाए पर चेयर पे भी हमें पलाथी मार के बैठना है। अब सबको पता है पलाथी मार के बैठना क्या होता है, आई होप तुम भी पता हो, तो क्या ये नीचे बैठेंगे तो भैया चेयर पे भी हमें पलाथी तभी हमें वो क्या आएगी वो सेटिस्फेक्शन, मतलब क्रॉस लेग्स, यस वो सोफिस्टिकेटेड वे में क्रॉस लेग्स बैठने में सही रहता है। चलो आ जाओ आ जाओ बेटा, सही कहा मैडम सही कहा, चेयर पे भी पलाथी मार के बैठते हैं, देखो क्या करें हम। ओके फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लो महाराष्ट्र में बन रही है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है, तो क्या मेंटेन करने हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो अगर महाराष्ट्र में बनती है तो महाराष्ट्र क्या कहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रार एज फॉलोस, क्या मेंटेन करने हैं, जितना भी पैसा रिसीव हुआ, जितना भी तुम्हारा खर्चा हुआ, किस वजह से पैसे रिसीव हुए, किस वजह से खर्चे हुए, सारे जो भी तुमने सेल परचेजेस किए हैं उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, सारे एसेट और लाइबिलिटीज के, क्या कहा, सारे एसेट के लाइबिलिटीज के, सारे सेल के, सारे परचेजेस के, जो भी रिसीट हुए, जो भी एक्सपेंडिचर हुए और जिस मैटर की वजह से रिसीट और एक्सपेंडिचर हुए सबके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। सबको समझ में आ गया, ओके परफेक्टो। तो तुमने कुछ चीजें अभी मेरे से पढ़ी, आओ कुछ चीजें मैंने बोली दिमाग में रखना जब तुम ऑडिट करोगे, तीन चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है। पहली चीज क्या थी कि किसको आप अपॉइंट कर सकते हो एज एन ऑडिटर,
किसको अपॉइंट कर सकते हो एज एन ऑडिटर, वापस से रिपीट कर लो, कोई बुराई है रिपीट करने में? नहीं मैडम, तुम तो कर ही रही हो, हम तुम्हारे साथ साथ कर देंगे। तो किसको अपॉइंट कर सकते हो? सीए तो हो ही सकता है, सीए को तो कोई मना करेगा ही नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम सीए कुछ स्टेट एक्ट्स ने क्या बोला, स्टेट कोऑपरेटिव, कुछ कुछ स्टेट के कोऑपरेटिव एक्ट्स ने बोला कि भाई तेरे पास गवर्नमेंट का डिप्लोमा है क्या अकाउंटेंसी में, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव अकाउंट्स, किसमें भी गवर्नमेंट का डिप्लोमा है क्या? हाँ है, तो तू ऑडिट कर ले। या तू अगर गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में ऑडिटर जैसे काम कर चुका है तो तू भी ऑडिट कर सकता है। अगर तू गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज एन ऑडिटर काम कर चुके हो तो तू भी जाके ऑडिट कर दे, ठीक है? ओके, अपॉइंट कौन करता है? हु अपॉइंट्स? तुम्हें पता ही है, रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है। क्या बुक्स और क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को? तो सेंट्रल एक्ट ने क्या बोला? सेंट्रल एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला, देख तेरे स्टेट में बन रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तू डिसाइड कर कि क्या बुक्स और क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने। एक एग्जांपल दिया हुआ था, महाराष्ट्र में अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलते हो तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? एसेट का इंफॉर्मेशन, लाइबिलिटी का, सेल का, परचेजेस का, या जितना भी रिसीट हुआ, जितना खर्चा हुआ, जिस मैटर की वजह से रिसीट या एक्सपेंडिचर हुआ वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? एवरीबॉडी, यहां तक पेट में किसी के जलन, जलन मच रही है, कुछ जलन किसी कोई पार्ट में, कहीं पे भी कुछ हो रहा है, फील कि गले से निकला नहीं, पानी अटक गया आड़म है, ये हो गया आड़म, पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट, ऐसा तो नहीं है? नहीं, सारी चीजें अच्छे अच्छे चल रही है, सही चल रहा है, एवरीबॉडी काम सबका सही है, आरआईपी लॉजिक, नो लॉजिक फियर, नो पेन, नो पेट दर्द, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, आई लाइक दैट। चलो ओके, आगे बढ़ी। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। मैम आपकी स्पेशल क्लास की टाइमिंग क्या है? बेटा यही टाइमिंग है 3:30 बजे, बट ये टाइमिंग थोड़ी चेंज होने वाली है, अभी तक तो 3:30 बजे है, बाद में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? अभी तक तो 3:30 बजे है, एक दो दिन में चेंज होगी तब आपको बता दी जाएगी। आओ दीपिका मैम, आओ, 1 घंटा होता है बेटा, 1.5 घंटा होता है, अभी फिलहाल मैं 1.5 घंटा दे रही हूँ। रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, इंटरेस्टिंग चीज सुनोगे अभी, इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एक्ट ने क्या बोला है पता है? अगर आपकी एक सोसाइटी है वेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज लिमिटेड, वैसे भी जो मेंबर्स होते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है, कभी भी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़कर जा भी सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, मोस्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है। तो कहता है कि अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, नो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का कोई भी मेंबर, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के 15 मेंबर्स हैं तो सोसाइटी का कोई भी मेंबर कितने का शेयर होल्ड नहीं कर सकता? कैन होल्ड, नो मेंबर कैन होल्ड सच पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी एज वुड एक्सीड अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और ऑफ द वैल्यू ऑफ 1000। मतलब क्या बोला ये? कहता है कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो वहां पे कोई भी मेंबर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसका 20% से ज्यादा के शेयर्स आप होल्ड नहीं कर सकते हो, और वैल्यू 1000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। जो वैल्यू है आपकी शेयर होल्डिंग की वो 1000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, मतलब हाँ सिर्फ 1000 बोला है, समझा? तो क्या बोला है बेटा, टोटल नंबर ऑफ जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उससे 20% के ज्यादा के शेयर तुम होल्ड नहीं करोगे, और वैल्यू 1000 से ऊपर की भी नहीं होनी चाहिए, समझ में आया एवरीबॉडी? तो आपके जितने भी शेयर होल्ड कर रहे हो 20% से कम के होने चाहिए और वैल्यू 1000 से ज्यादा की भी नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? यस। तो यहाँ पे बोल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी मेंबर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के 20% से ज्यादा का शेयर होल्ड नहीं करेगा और वैल्यू के टर्म्स में 1000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नो मेंबर ऑफ सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, एक दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी भी आपकी सोसाइटी की मेंबर है, ये रूल दूसरे रजिस्टर्ड सोसाइटी पे नहीं लगता, सिर्फ आपके मेंबर्स पे ही लगता है, मतलब आपके मेंबर्स पे लगता है। अगर कोई दूसरी सोसाइटी आपकी मेंबर है तो सोसाइटी पे नहीं लगेगा, सिर्फ मेंबर्स पे लगेगा।
मतलब अदर देन द रजिस्टर्ड सोसाइटी, एवरीबडी, समझा? रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, समझा? क्या बोला मैंने? कोऑपरेटिव सोसाइटी, वापस से बोलती हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी मेंबर अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो उस पर नहीं लगता, तो अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो कितने शेयर होल्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग शुड नॉट एक्सीड, आपकी शेयर होल्डिंग शुड नॉट एक्सीड कितना, इस पे एमसीक्यू आता है, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उससे 20% से ज्यादा की होल्डिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो वैल्यू है वो 1000 से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सबको समझ में आ गया? वैल्यू 1000 से कम ही होना चाहिए आपके शेयर्स का। ओके, वेरी वेरी गुड। एक रेस्ट्रिक्शन और भी है, अभी हम कुछ रेस्ट्रिक्शन पढ़ रहे हैं। दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो कंपनी के केस में होता है बेटा। रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन, दूसरी सोसाइटी उसके मेंबर पर भी नहीं लगती। नहीं, अगर कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोई दूसरी सोसाइटी आपके सोसाइटी का मेंबर है तो रजिस्टर्ड सोसाइटी पे ये रूल नहीं लगता, रजिस्टर्ड सोसाइटी को छोड़ के जो आपके दूसरे मेंबर्स हैं उन पे ये रूल लगता है, ठीक है? ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन है, सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 729 ऑफ द सेंट्रल एक्ट क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है लोन पे। मतलब मैडम बस तुम परेशान मत हुआ करो, ये कहता है, इट स्टेट्स दैट कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, जो भी एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है अंडर द एक्ट, शैल नॉट मेक अ लोन टू एनी पर्सन अदर देन द मेंबर। कहता है बेटा तू किसी को लोन नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को ही दे सकता है, तुम ना किसी को भी लोन नहीं दे सकते, अपने मेंबर्स को ही आप लोन दे सकते हो। हाउएवर विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की परमिशन लेके एक रजिस्टर्ड सोसाइटी अगर किसी दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन देना चाहे तो दे सकती है, पर रजिस्ट्रार का स्पेशल सैंक्शन लगेगा। समझ में आ गया? मैंने क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन है लोन देने पे, आप सिर्फ और सिर्फ किसको लोन दे सकते हो, अपने मेंबर्स को दे सकते हो, पर एक सोसाइटी अगर किसी दूसरी सोसाइटी को लोन देना चाहे तो आपको पहले रजिस्ट्रार की परमिशन लेनी होगी, उनका सैंक्शन लेना होगा, ओनली देन आप दूसरे सोसाइटी को लोन दे सकते हो। सबको समझ में आ गया? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, रेस्ट्रिक्शंस। पहला रेस्ट्रिक्शंस शेयर होल्डिंग पे था, कितना शेयर होल्डिंग पे रेस्ट्रिक्शन था बेटा, टोटल नंबर 20% ऑफ टोटल वैल्यू से, टोटल नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा मत होल्ड करो, और मैक्सिमम वैल्यू 1000 रुपया होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नको। ओके, दूसरा रेस्ट्रिक्शन किस पे था बेटा, बता दे, लोन देने पे, आपको अगर लोन देना ही है ना तो अपने मेंबर लोग को दे रहे, इतना पैसा कहां से आएगा, बाहर वालों को लोन देता है, अपने मेंबर को दे लोन चुपचाप। अच्छा मैं दूसरे रजिस्टर्ड सोसाइटी को देना चाहता हूँ, तो फिर तुम रजिस्ट्रार की पहले सैंक्शन ले लो, रजिस्ट्रार से पूछ लो जाके दे सकते हो क्या, ठीक है? ओके एवरीबॉडी, सबको समझ में आ गया? आगे रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स, अब ये उल्टा है, बोरोइंग्स पे भी लोन देने पे भी रेस्ट्रिक्शन, लेने पे भी रेस्ट्रिक्शन, बोरोइंग पे भी रेस्ट्रिक्शन। कहता है सेक्शन 30 ऑफ द सेंट्रल एक्ट कहता है फर्दर पुट्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, जो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है वो किसी को भी लोन दे सकती है, रजिस्टर्ड ही होती है वैसे मोटा मोटी, सही बताऊं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट टू बी, ये लॉस तो तभी लगेंगे, सेक्शंस तभी लगेंगे। सेक्शन 30 ऑफ द सेंट्रल एक्ट फर्दर पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन A registered society shall accept loan and deposit from person who are not members. जबरदस्ती है कि अपने members से तुम borrowings नहीं ले सकते, दे सकते हो loan अगर दोगे तो सिर्फ अपने members को ही दोगे, पर लोगे तो अपने members से मत लेना, आप अपने members से नहीं ले सकते। Section 30 कहता है A registered society shall accept loans and deposit from people who are not members. Subject to the restrictions and limits of the bylaws of the society. तो आप जो जितना भी borrowings ले सकते हो आप अपने member से नहीं ले सकते, किसी दूसरे आदमी से ले सकते हो, जो भी limits वगैरह आपने set की है उसी के अंदर आप borrowing ले सकते हो। मान लो आपने ये limit set की है कि आप 1 साल में 1 लाख तक की borrowings ले सकते हो, तो उसके अंदर अंदर ही आप borrowings लोगे, उससे ऊपर जाके नहीं लोगे। समझ में आ गया? सोसाइटी है बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
वी आर टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी. कंपनी की यहाँ बात ही नहीं हो रही है. कंपनी को अलग ही रखो, कंपनी अलग होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है. ठीक है, आ जाओ एवरीबडी. ठीक है, ओके, मिक्सी मत करो, कंपनी की बात ही मत करो, कंपनी के सेक्शंस को भी अभी सोचो मत, हम सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बातें कर रहे हैं. ओके, आ रहा, आ जाओ. इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत पैसा है क्या तेरे पास? बहुत पैसा है क्या? हाँ, फंड्स तो बहुत है, इसको इन्वेस्ट किधर करेगा रे, किधर करेगा इन्वेस्ट? तो क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने फंड्स को सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप चाहते हो कि मैं ये खरीद लू वो खरीद लू, तो ऐसा नहीं हो सकता. एक कोऑपरेटिव, इस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है, इस पे थ्योरी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने फंड्स को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकती है. आप सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, तो आप या तो सेंटर या स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक में कर दो, पहली चीज, या फिर आप किसी दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में भी कर सकते हो अदर देन सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. या तो सेंट्रल का, गवर्नमेंट का कोई कोऑपरेटिव बैंक है तो उसमें कर दो, या सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप नहीं करना चाहते तो किसी दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में भी कर सकते हो जो रजिस्ट्रार अप्रूव करता है, अगर रजिस्ट्रार अप्रूव करे तो. और आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हो? इन द सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट. अगर आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट खोलोगे उसमें एक सेक्शन 20 में लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज लिखी हुई है, तो आप वहां पे उनमें से किसी भी सिक्योरिटी में कर सकते हो. इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 20 में जो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज दिया हुआ है उनमें से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. ओके, देन आप शेयर्स या सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स ऑफ एनी अदर सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी, किसी दूसरे सोसाइटी के शेयर्स बॉन्ड्स में कर सकते हो जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, या फिर अगर दूसरी जगह जहां सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट परमिट करे. ठीक है, ओके. क्या बोला मैडम आपने? मैंने बोला बेटा इन्वेस्टमेंट, बता तो किधर करेगा रे इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक्स, या तो आप सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्या? हाँ जी, कर सकते हो. अगर इसमें ना करना चाहो तो किसी एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक में भी कर सकते हो, एज स्पेसिफाइड बाय रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार स्पेसिफाई करे, अगर रजिस्ट्रार सैंक्शन करता है तो आप उसमें भी कर सकते हो. या फिर इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है उसके सेक्शन 20 में जो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज दी हुई है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. या फिर आप किधर कर सकते हो? एनी अदर मनी, या फिर मान लो आप किसी दूसरे सोसाइटी के बॉन्ड्स वगैरह, एनी अदर सोसाइटी जो है, एनी अदर सोसाइटी के बॉन्ड्स वगैरह को खरीद सकते हो जिसकी लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड लायबिलिटी. या फिर जहां सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, वहां सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एज दे मे प्रिस्क्राइब. सबको समझ में आ गया? या तो आप सेंट्रल या स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक में कर सकते हो, या फिर कोई दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में भी कर सकते हो जो रजिस्ट्रार बोले, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 20 में जो लिस्ट दी गई है उसमें कर सकते हो, या फिर आप शेयर्स बॉन्ड्स किसी दूसरे रजिस्टर्ड सोसाइटी के शेयर बॉन्ड वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. या फिर एक और पॉइंट क्या बोला मैंने, क्या बोला बेटा? जहां सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे. सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है एवरीबडी? सिंपल, बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है. झकास बिंदास, यस. अच्छा, कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा बना लिया, तुमने प्रॉफिट बना लिया, प्रॉफिट मेंबर्स को देना पड़ेगा क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर प्रॉफिट बनाती है तो प्रॉफिट तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. किस में डिवाइड करना पड़ेगा? अपने मेंबर्स में. तो कहता है प्रॉफिट को डिवाइड करने से पहले, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड और बोनस टू मेंबर्स, अपने प्रॉफिट को डिविडेंड जैसे या बोनस जैसे मेंबर्स को देने से पहले आपको कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा. मान लो आपका इतना प्रॉफिट हुआ तो पहले आप किसको करोगे? कुछ पैसा ट्रांसफर करोगे अपने रिजर्व फंड में, फिर जो बचता है वो आप एज अ डिविडेंड या बोनस अपने मेंबर्स को दे सकते हो. समझ गए क्या एवरीबडी? झकास तरीके से समझ गया? चलो आ जाओ, मैं आप लोगों को फिर से कुछ बताऊंगी. 5 पॉइंट्स हमने पढ़े, रिपीट करोगे मेरे साथ? शुरुआत से रिपीट करोगे मेरे साथ? करोगे? तैयार हो? चलो आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स गेट द रिवीजन स्टार्टेड.
पहला पॉइंट मैंने तुम्हें क्या बताया था, सेक्शन 17 जो बेसिक बातें बोल रहा था, कहता मैं बताता हूँ, इधर आओ, पहली बार पढ़ रहे हो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी? हाँ, इधर आ, मैं बताता हूँ। कहता कौन अपॉइंट करेगा तेरा रजिस्ट्रार, सॉरी कौन अपॉइंट करेगा तेरा ऑडिटर? या तो रजिस्ट्रार कर देगा, या तो रजिस्ट्रार तेरी ऑडिट कर देगा, या फिर किसी आदमी को ऑथराइज कर देगा राइटिंग में, स्पेशल ऑर्डर देके कि भैया उसकी ऑडिट कर दे। ठीक है, जो भी ऑडिटर ऑडिट करेगा वो ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करेगा, और वो क्या करेगा, चेक करेगा एसेट और लाइबिलिटी के वैल्यूएशन को भी चेक करेगा। फिर जो भी ऑडिटर ऑडिट करेगा उसके पास एक्सेस होगा, किसका, बुक्स को, उसको एक्सेस दिया जाएगा बुक्स का, डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का, जो इंफॉर्मेशन वो मांगे ऑडिट के पर्पस के लिए उसे दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो यार, ये तो ज्यादा मांग रहा है क्या, ये ज्यादा मांग रहे हैं, बुक्स डॉक्यूमेंट दे देना, उतना तो चाहिएगा ही ना ऑडिट करने के लिए, ऑफकोर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला तीन चीजों को तुम दिमाग में रखना जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट करते हो। पहले मैंने बोला कौन अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर। देखो, या तो देखो सीए कर देगा काम, पर अगर मान लो किसी रीजन की वजह से अगर सीए ना भी कर पाए, मतलब जरूरी नहीं है सीए ही होना चाहिए, कुछ कुछ स्टेट ने दूसरे लोगों को भी बोल दिया कि तुम भी ऑडिट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास जीओबी का डिप्लोमा है, गवर्नमेंट का डिप्लोमा है, किसमें, अकाउंटेंसी में, कोऑपरेटिव अकाउंट्स में, या कोऑपरेशन में गवर्नमेंट का डिप्लोमा है क्या, तो तू कर दे ऑडिट। या फिर अगर तुम गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज एन ऑडिटर कुछ साल काम कर चुके हो तो तुम भी कर सकते हो फिर। ठीक है, हु विल अपॉइंट दी रजिस्ट्रार, इसको अपॉइंट कौन, सॉरी हु विल अपॉइंट दी ऑडिटर, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा। ठीक है, ये भी बेसिक बात थी, हमने जान ली। अच्छा, जो इन्हें बुक्स मेंटेन करने होंगे, क्या बुक्स, क्या डॉक्स मेंटेन करने होंगे, ये क्या बोला सेंट्रल एक्ट ने, किसको बोला, सेंट्रल एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला, क्या बोला कि तू जो मर्जी चाहे वो बुक्स मेंटेन कर ले, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसाइड क्या बुक्स, क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं। सारे बच्चों को समझ में आ गया? ओके, फिर हमने क्या किए, रेस्ट्रिक्शंस को स्टार्ट किए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, रेस्ट्रिक्शन किस पे है, शेयर होल्डिंग पे है मैडम, शेयर होल्डिंग पे है। तो शेयर होल्डिंग पे रेस्ट्रिक्शन कितना है, मेंबर्स कि 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से ज्यादा के शेयर्स नहीं आप होल्ड कर सकते, और वैल्यू भी आपकी 1,000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, कम ही रखो उससे। ठीक है, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन, कि अगर लोन देना है ना तो सिर्फ अपने मेंबर्स को देना और किसी को मत देना। अच्छा, कोई दूसरी रजिस्टर्ड सोसाइटी को अगर देना चाहो तो रजिस्ट्रार का सैंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, बोरोइंग्स अगर आपको करनी है ना तो आप अपने मेंबर्स से बोरो नहीं कर सकते, सॉरी टू से, आप अदर लोगों से करोगे, अदर पर्सन से करोगे जो मेंबर्स नहीं है, विद इन दी लिमिट्स लेड डाउन, जो भी लिमिट्स आपने डिसाइड किए उसके विद इन आप बोरोइंग्स करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, हर जगह नहीं कर सकते आप अपने फंड्स को इन्वेस्ट, फंड्स को इन्वेस्ट आप कुछ जगह ही कर सकते हो। पहला मैंने क्या बोला, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 20 में जो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज है उसमें जरूर कर सकते हो आप। कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल या स्टेट का जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें कर सकते हो, एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक में भी कर सकते हो, एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक में भी कर सकते हो, एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार बोले। कोई दूसरे बैंक में करना चाहते हो, हाँ, अदर देन सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, हाँ रजिस्ट्रार अगर स्पेसिफाई करे तो कर सकते हो। उसके बाद आप दूसरे शेयर्स में, बॉन्ड्स में, दूसरे सोसाइटी जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है उनके शेयर बॉन्ड वगैरह में भी तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके मैडम, उसके बाद एनी अदर वेयर सेंट्रल स्टेट, जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है वहां पे भी कर सकते हो। ठीक है, एनी अदर मनी जहां पे भी परमिटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जहां सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट परमिट करे, कहीं और में तो कोई दूसरी जगह जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट परमिट करे। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब अपने मेंबर्स को डिविडेंड देने से पहले या बोनस देने से पहले कुछ पैसा रिजर्व फंड में ट्रांसफर होगा, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सारे बच्चे समझ रहे, जहाज गंदा से एकदम क्रेजी मैनर में समझे, सब याद हो रहा है तुम्हें? वेरी वेरी गुड। ओके, अभी 2 मिनट मुझे सांस लेने दो, उसके बाद बाकी के छुटके पुटके चीजें और पढ़ेंगे। 2 मिनट रुक जाओ जरा। ओके, पानी पीने दो। मैम आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, एक और क्लास लगेगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो आज क्या डेट है अपनी,
आज क्या तारीख है? 3 तारीख है, ठीक है, 4 और 5, 2 दिन अपनी क्लास किधर है? लक्ष्य में है। लक्ष्य में कंपनी ऑडिट 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका कंपनी ऑडिट जो है 4 और 5 को कंपनी ऑडिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्लास रहेगी 6th को। 6th को आपका ये ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज खत्म हो जाएगा। 6th को मैं आपकी क्लास लूंगी और स्पेशल क्लास में ही आपको खत्म करवा दूंगी, ठीक है एवरीबॉडी? ऑल राइट, तो इसके साथ आपका मॉड्यूल 2 का कंपनी ऑडिट भी हो जाएगा, डिफरेंट एंटिटीज भी हो जाएगा। आपका ऑडिट रिपोर्ट पहले बहुत पहले हो चुका है, ऑडिट ऑफ बैंक का आपको लिख दिया था। इसके बाद एक चैप्टर बचेगा, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, जिसे मैं यूट्यूब पे आपको लूंगी, ठीक है? जितने भी बच्चे हैं वो यूट्यूब पे देख पाएंगे मेरे को, YT पे उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, टाइम आने दो तब आपको दिया जाएगा। ओके, संडे को नहीं होती थी ना क्लास? मुझे देने एग्जाम, मुझे देने सुख के दिन, थोड़े थोड़े दिन के लिए ना सुख को साइड रखो और पढ़ाई पे ध्यान दे दो। अच्छा, जितने भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे है, मैं फिर से आपको सजेस्ट करती हूं कि अपना जो नया ये स्टार्ट हो रहा है, रामबाण फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी बच्चे रामबाण बैच से पढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इस ये जो फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ग्रुप 2 का 90% सिलेबस इस बैच में कवर होगा। मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हैवी वेटेज, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस बैच। 90% आपका पूरा सिलेबस इस बैच में खत्म होगा इन 50 डेज, इन 50 डेज, ठीक है? तो ये प्रॉपर फास्ट ट्रैक क्रेजी रिवीजन बैच है, और इस बैच को ज्वाइन कर लेने से आपका ग्रुप 2 तो क्रेजी मैनर में खत्म हो जाएगा। और ये आपके टाइमिंग्स है, मैं आपको ऑडिट कराऊंगी, फिर FMEECO को है, फिर किशन सर आएंगे, फिर एडवांस अकाउंटिंग होगा। प्रोवाइडेड अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हैं CA दीपिका। वेरी गुड, समझने लगे हो तुम्हें, होशियार हो गए हो सारे। CA दीपिका इज माई कोड, कोड को भूलिएगा मत, जितना यूज हो सकता है उतना कीजिए, यूज इस्तेमाल होने के लिए बनते हैं ये कोड्स, ठीक है? ओके, आगे आ जाओ। ज्यादा तुम लोग है ना, सुनो ध्यान दे दो सारे। वैसे तो सारे यहाँ पे प्लस वाले ही हैं, बट स्टिल अगर कोई नॉन प्लस यूजर देखे तो यूज माई कोड। ओके आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बेटा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस, ये क्या कहता है? देख, जितना भी प्रॉफिट तुमने कमाया, ठीक है, प्रॉफिट में से पहले तो कुछ पैसा रिजर्व फंड में जाएगा। कहा था ना मैंने, पहले जितना भी तुमने प्रॉफिट कमाया, ये तुम्हारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट में पहले कुछ हिस्सा तो रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा। उसके बाद में जो बचता है, अगर आप चैरिटी के लिए देना चाहो, अगर आप पैसा चैरिटेबल पर्पस के लिए देना चाहो, तो प्रॉफिट में से रिजर्व फंड हटाने, रिजर्व फंड में पैसा डालने के बाद जो पैसा बचेगा उसका 10% से ज्यादा आप चैरिटी के लिए नहीं दे सकते। इस अमाउंट का 10% से ज्यादा का अमाउंट आप चैरिटी के लिए नहीं दे सकते। कहता है अ रजिस्टर्ड सोसाइटी में विद द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। आपको अगर चैरिटी भी करनी है ना, तो पहले रजिस्ट्रार का सैंक्शन लो। और आप कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो? नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड। पैसे को पहले रिजर्व फंड में ट्रांसफर करो, कुछ परसेंटेज आपको रिजर्व फंड में डालना होगा। उसके बाद जो बचता है उसमें से आप चैरिटी कर सकते हो। चैरिटी के लिए भी रजिस्ट्रार से सैंक्शन लेना पड़ेगा, और चैरिटी जितनी कितनी कर सकते हो इस अमाउंट के 10% से ज्यादा की नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ए इधर ध्यान दो रे, क्या बोला मैंने? चल क्वेश्चन पूछू अभी, क्या बोला मैंने बता दो यार बच्चों, है मेरी इतनी एनर्जी लगती है, तुम लोग ऐसा ऐसा ब्रेक में टाइम पास करते रहते हो, बताओ मेरे को। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट है, तो पहले आपको किस में डालना पड़ेगा ये पैसा बता? रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा। पहले पैसा रिजर्व फंड में डालोगे, फिर जितना भी नेट प्रॉफिट बचेगा, अगर चैरिटी करनी है ना, तो पहले तो रजिस्ट्रार से पूछ के तू चैरिटी कर सकता है क्या,
रजिस्ट्रार हाँ बोले तो तुम चैरिटी करोगे, बट एनी विच वेज चैरिटी कितनी करोगे, इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. आपके नेट प्रॉफिट का 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. ठीक है, वेरी गुड. चलो 2 मिनट का ब्रेक चाहिए तुम्हें, ले लो 2 मिनट का ब्रेक. ओके, उसके बाद अगर तुमने की टाइम पास तो तुम देखो. अब गंगूबाई मम्मी हो गया, देख लिया यार मैंने, मुझे नहीं अच्छी लगी यार, बहुत लंबी है, टाइम वेस्ट. ग्लैड बी, अब नहीं बात करूंगी उसके बारे में. कोई नई मूवी आएगी फिर उसका रेफरेंस लेंगे हम. ठीक है, अच्छा यहाँ पे नॉन प्लस यूजर्स कितने हैं, एक बार हाथ उठा दो यार. सारे सब्सक्राइबर्स वाले हैं कि कोई प्लस नॉन प्लस यूजर्स भी हैं यहाँ पे, हाथ उठा दो, मतलब लिख दो कॉमेंट में. श्रीजा है लिख, ओके. श्रीजा को मैं यूट्यूब पे भी मिली हूँ आई थिंक, है ना श्रीजा? बाकी के झूठे बच्चों झूठ मत बोल. जीएमएम कौन है बेटा, तेरा नाम क्या है? जीएमएम, जीएमएम डॉक्टर स्ट्रेंज, मुश्ताक. ओके ओके मुश्ताक, वेलकम टू द क्लास बेटा जी. एपी डिल्लो, एपी डिल्लो, कोई पंजाबी है क्या? एनी पंजाबी इन द हाउस मैम? मैं बोथ ग्रुप्स कर रही हूँ. रामबाण अटेंड किया? नहीं किया तो चलेगा, क्योंकि हाँ हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा श्रुति, चलेगा. मैंने क्लास ले ली थी, पैसे वेस्ट हो गए. कोई नहीं बेटा जी, यहाँ से कर लो यार. अजय तुम भी पढ़ ले यार, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले है, आ जाओ. एपी डिल्लो, एनी पंजाबी इन द हाउस? कि मुंडे पागल नहीं सारे. मी टू. कितने प्रमोशन, क्या काश मिलते यार ये सब के, कोई प्रमोशन के पैसे नहीं मिलते यार. शिट. सिंधी, ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ऑलराइट. अरे अरे मैं बॉर्डरिंग पंजाब हूँ, बॉर्डरिंग पंजाब. मैं नहीं 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 नॉट पंजाबी, बट आई एम बॉर्डर लगता है मेरा पंजाब से, देख लो बहुत वो है मुझे फॉर पंजाब. ओ वाह वेरी गुड यार, वेरी गुड. उड़ता पंजाब आ जाओ. देन कुछ भी बातें करते हो तुम. आ जाओ एवरीबॉडी, सारे बच्चे अब आ गया. तुम्हारा ब्रेक खत्म हो गया, सॉरी टू से, बट द टाइम फॉर द ब्रेक हैज बीन फिनिश्ड नाउ, नो मोर नेगोशिएशन फॉर ब्रेक. लेट मी ड्रिंक वाटर. एक बात बताओ, रिजर्व फंड में पैसा वैसा डाल रहे हो क्या? हर साल का प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व फंड में डालते हो? डालना तो पड़ेगा, जाओगे कहाँ, डालोगे नहीं तो. तो रिजर्व फंड के पैसे को किधर इन्वेस्ट करोगे? हर साल 10%, किसने कहा 10% डालते हैं? ओमकार बेटा किसने कहा 10%? मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा कि कुछ परसेंटेज डालते हो, कितना भी हो सकता है. ठीक है, तो रिजर्व फंड में इतना सारा पैसा रिजर्व फंड में कलेक्ट हो गया, फिर इस पैसे का करोगे क्या? तो कहते हैं स्टेट एक्ट्स प्रोवाइड दैट अ सोसाइटी वे यूज द रिजर्व फंड. सोसाइटी रिजर्व फंड में जो पैसा डालती है, सोसाइटी उस रिजर्व फंड के पैसे को यूज कर सकती है. किस पर्पज के लिए यूज कर सकती है? किस पर्पज के लिए यूज कर सकती है? इन द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी एज वर्किंग कैपिटल. जो रिजर्व फंड में आपने पैसा डाला है, उस पैसे को आप एज वर्किंग कैपिटल यूज कर सकते हो इन द बिजनेस, मतलब सोसाइटी के बिजनेस में लगा सकते हो, एज अ वर्किंग कैपिटल आप यूज कर सकते हो. या मे इन्वेस्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. आपने अभी पढ़ा था क्या कि कहां कहां पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो? इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, कोऑपरेटिव बैंक में, सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, या अलग अलग जगह मैंने आपको बताया था, शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी. यस, तो कहते हैं वैसे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो. या तो आप रिजर्व फंड के पैसे को वर्किंग कैपिटल जैसे यूज कर लो, या आप इन्वेस्ट कर दो, या फिर मे यूज फॉर सम पब्लिक पर्पस लाइकली टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी. या फिर आप उस पैसे को सोसाइटी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए सोसाइटी बनाई है, उसको प्रमोट करने के लिए यूज कर दो. मतलब जो सोसाइटी का ऑब्जेक्ट है पब्लिक पर्पस के लिए, लाइक मतलब इस कोई कॉज के लिए आप स्पेंड करो, विच विल
प्रमोट दी ऑब्जेक्ट, जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो उस चीज को प्रमोट करने के लिए पैसा लगा दो, ठीक है, फॉर पब्लिक पर्पस। एवरीबडी, सबको समझ में आ गया मैंने तुम्हें क्या बोला? एग्जाम में ये भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, रिजर्व फंड में पैसा तो डला हुआ है, उसे यूज कैसे करोगे? बेसिक चीज तो हमेशा याद रखना, फंड है क्या, तो या तो उसे इन्वेस्ट कर दो एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, प्रोविजन के जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बोला था इधर उधर कर सकते हैं तो कर दो, या उसे वर्किंग कैपिटल जैसे यूज कर लो, या फिर यूज इट टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी का ऑब्जेक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए लगा दो, ठीक है। एवरीबडी समझ गए? चार मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बल्ले बल्ले कर देना, खड़े हो गए अगर आ गया तो। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड, कहते हैं कुछ कुछ स्टेट एक्ट्स ने रूल बना रखे हैं कि हर सोसाइटी को हर साल कुछ पैसा एजुकेशन फंड में डालना पड़ेगा एक पर्टिकुलर अप्रोप्रिएशन रेट पे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, नॉट एन अप्रोप्रिएशन। मतलब बेसिकली कुछ कुछ स्टेट एक्ट ने रूल बना रखा है कि अगर तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो तुम्हें अपना कुछ पैसा कुछ परसेंटेज एजुकेशन फंड में भी डालना पड़ेगा। ये सेंट्रल का एक्ट नहीं है, कुछ कुछ स्टेट ने ये एक्ट बना रखा है, ठीक है। ठीक है, वन बार एक बार पढ़ के रख दो। ओके 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 ऑलराइट, ओके ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? अब हम स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे। मैंने आपको बड़े कड़क तरीके से पढ़ाया, बिल्कुल कड़क तरीके से, बीच में रिवाइज करके पढ़ाया, एकदम झकास रिवाइज हो जाना चाहिए। थ्योरी क्वेश्चन किस किस पे आ सकता है? अभी तक थ्योरी क्वेश्चन जो मुझे लगता है एज पर मी, थ्योरी क्वेश्चन एक उस पॉइंट पे आ सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पैसे को किधर इन्वेस्ट करते हो, या फिर अगर रिजर्व फंड है उसके पैसे को आप किधर इन्वेस्ट करते हो, तो इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ कुछ चीजों पे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आ सकता है। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है, जैसे वो रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन वगैरह पे ट्रू फॉल्स वगैरह पूछ सकते हैं कि कहां पे वो लोग लोन दे सकते हैं, तो आप बोलोगे लोन सिर्फ मेंबर्स को दे सकते हो। बोरोइंग पे आ सकता है कि बोरो किससे कर सकते हो, अपने मेंबर्स के अलावा किसी दूसरे आदमी से आप लिमिट्स के अकॉर्डिंग बोरो कर सकते हो, ठीक है। वेरी गुड बेटा, अब आगे बढ़ेंगे, चलो आ जाओ स्पेशल फीचर्स पढ़ें, तैयार हो एवरीबडी? अगर तुम्हें एक पॉइंट याद आ रहा है, आई डोंट नो कि कितने बच्चों को याद आ रहा होगा, मैं आपको लेके जाऊंगी उस पॉइंट पे। जब तुम सेक्शन 17 को मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मैंने तुम्हें क्या कहा था? या तो देखो रजिस्ट्रार ऑडिट कर देगा, सबसेक्शन 1, 2 क्या कहता है, जो भी ऑडिट करेगा उसे ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करना होगा, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी। मैंने बोला था कुछ टाइम पे मैं इस पॉइंट पे आने वाली हूं, कहा था ना कि आपको ओवरड्यू डेट्स एग्जामिन करेगा और वैल्यूएशन चेक करनी पड़ेगी एसेट और लायबिलिटी की। ये पॉइंट अपने डीप में पढ़ेंगे अब स्पेशल फीचर्स में, भूलना मत, भूलियो मत। एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स क्या बोलता है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं ऑडिट करने जा रही हूं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, अगर मैं ऑडिट करने जा रही हूं, मुझे ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करना पड़ेगा। मैडम ये क्या होते हैं ओवरड्यू डेट्स? ओवरड्यू डेट्स मतलब डेटर्स से पैसा आना बाकी है, ड्यू है। ओवरड्यू डेट फॉर अ पीरियड फ्रॉम 6 months to 5 years, जो पैसा ड्यू है, ड्यू कब से है, 6 महीने हो गए, 6 महीने से 5 साल के बीच तक ड्यू है, या फिर मोर देन 5 years से ड्यू है। मतलब जो पैसा आपको आना चाहिए था पर ड्यू है, कितने टाइम से ड्यू है, 6 months to 5 years के बीच तक का अमाउंट में ड्यू है, डेट में ड्यू है, या मोर देन 5 years हो गए और पैसा नहीं मिला आपको, ड्यू है, उसको आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। ऑडिटर को ऐसे डेट को क्लासिफाई करना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, आप ओवरड्यू डेट को एग्जामिन करोगे, कौन सा ओवरड्यू डेट, जो ओवरड्यू हो कितने पीरियड से, फ्रॉम 6 months to 5 years, या फिर मोर देन 5 years से जो डेट क्या हो, ड्यू हो, पैसा आपको मिल ही नहीं रहा है, या तो मोर देन 5 years हो गए, या फिर इन बिटवीन 6 months से 5 years के बीच में किसी अमाउंट के लिए, किसी पीरियड के लिए ड्यू हो, ठीक है। आपको एज एन ऑडिटर दो चीजें करनी पड़ेगी इन डेट्स को, आपको इन डेट्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब मैडम देख, अब पढ़ना इसको, ओवरड्यू डेट हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस ऑन द वर्किंग ऑफ क्रेडिट सोसाइटी। एक बात बताओ, ओवरड्यू डेट से सोसाइटी के काम पे फर्क पड़ता है क्या, वर्किंग कैपिटल पोजिशन पे फर्क पड़ता है क्या? यार अगर पैसा ब्लॉक हो गया, डेटर पैसे देंगे ही नहीं, तो तुम्हारे पास वर्किंग कैपिटल आएगी कैसे, तुम काम कैसे करोगे, तुमने तो सामान बेच दिया,
तुमको पैसे ही नहीं मिल रहे तो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल पे तो इफेक्ट ही पड़ेगा, तुम कैसे काम करोगे। अ फर्दर एनालिसिस ऑफ दीज ओवरड्यू डेट्स, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इन ओवरड्यू डेट्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, किस व्यू पॉइंट से, कि इसकी चांस ऑफ रिकवरी क्या है। अगर चांस ऑफ रिकवरी अच्छी है तो आप इसे गुड की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दोगे, अगर चांस ऑफ रिकवरी कम है तो आप इसे बैड की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दोगे। तो मैंने क्या बोला, ओवरड्यू डेट्स जो 6 महीने से 5 इयर्स के बीच में ड्यू है या मोर देन 5 इयर्स के बीच में ड्यू है, ऑडिटर उसे क्लासिफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस ऑफ रिकवरी। अगर रिकवरी के चांसेस है तो आप उसे गुड की कैटेगरी में डाल दोगे, अगर नहीं है तो बैड की कैटेगरी में, ठीक है। और ऑडिटर ये भी देखेगा कि इनके ऊपर प्रॉपर प्रोविजन बना कि नहीं डाउटफुल डेट्स का, और जो भी प्रोविजन आपने बनाया वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं। समझ में आ गया, कर सकते हैं। बैड डेट का भी पर पॉइंट पड़ेगा, हर शनि देखा भी आगे आएगा, ये वाला पॉइंट जो तू पूछ रहा है वो भी आ गया। एवरीबॉडी, सबको समझ में आ गया, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको ये पीरियड पूछे जा सकते हैं। ऑडिटर क्या करता है मेरे को बताओ, ऑडिटर को ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करना पड़ेगा। ओवरड्यू डेट्स, ऐसे डेट्स जो ड्यू हो फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 इयर्स या मोर देन 5 इयर्स के लिए जो डेट्स ड्यू है, आपको एज एन ऑडिटर उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई एंड रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्लासिफाई किस हिसाब से करोगे, किस हिसाब से क्लासिफाई करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी। क्लासिफाई कैसे करोगे, रिकवरी के बेसिस पे। अगर तुम्हें लगता है रिकवरी पॉसिबल है तो गुड की कैटेगरी में डाल देना, अगर तुम्हें लगता है रिकवरी पॉसिबल नक्को है तो बैड की कैटेगरी में डाल देना। और ऑडिटर क्या देखेगा कि इन डेट्स पे, ओवरड्यू डेट्स पे आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया कि नहीं, वो भी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर चेक भी करेगा कि आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया कि नहीं। सबको समझ में आ गया, क्या बोल रहा बेटा मैं, आपका रिविजन हमारे रेगुलर क्लासेस से अच्छा है। ओके थैंक्स बेटा, थैंक्स, वेरी नाइस, ओके ओके ओके, चलो आ जाओ, वेरी गुड। एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट समझ में आ गया, सारे बच्चों को झगाझक समझ में आ गया, फटाफट बता दे, एकदम फटाफट बता दे, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट क्या होता है, जो 6 महीने से 5 साल या मोर देन 5 इयर्स, क्लासिफाई कर दो उसको गुड या बैड की कैटेगरी में एज पर द चांस ऑफ रिकवरी, ठीक है। और देख लो प्रोविजन बनाए कि नहीं बैड और डाउटफुल डेट्स पे, ओके। उसके बाद ओवरड्यू इंटरेस्ट, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दोगे, ओवरड्यू इंटरेस्ट मतलब क्या है, ओवरड्यू इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट अक्रूड और अक्रूइंग इन अकाउंट्स अमाउंट ऑफ विच द प्रिंसिपल इज ओवरड्यू। मतलब ओवरड्यू इंटरेस्ट मतलब, ओवरड्यू इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया, मतलब इंटरेस्ट मिलना तो चाहिए था, इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया, पर इस अमाउंट पे तो प्रिंसिपल भी अभी तक मिला नहीं है, मतलब आपको अभी तक प्रिंसिपल की प्राप्ति नहीं हुई, इंटरेस्ट मिलने के चांसेस हैं, अभी तक प्रिंसिपल ही नहीं मिला, इंटरेस्ट तो अक्रू हो गया, इंटरेस्ट भी नहीं मिला है, इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया है, ड्यू तो है, अक्रूड तो है, पर इस अमाउंट में प्रिंसिपल की प्राप्ति नहीं हुई, तो इंटरेस्ट की प्राप्ति होने के चांसेस कितने हैं, कम ही है। तो इस केस में क्या कहता है कि जो ओवरड्यू, इस पर ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, ओवरड्यू इंटरेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, जिस अमाउंट पे अभी प्रिंसिपल भी तुम्हें नहीं मिला है उस पे ओवरड्यू इंटरेस्ट मिलने की कोई भी संभावना है, प्रिंसिपल का पैसा नहीं मिला तो इंटरेस्ट का पैसा मिलने, या इंटरेस्ट अक्रू तो हो ही गया, मिलना तो चाहिए ही था पर अभी तक मिला ही नहीं, प्रिंसिपल ही नहीं मिला तो इंटरेस्ट का क्या बात करें। तो कहता है ओवरड्यू इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर दो फ्रॉम द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड ड्यू बाय कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। मतलब जब पीएनएल का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो उसमें से ओवरड्यू इंटरेस्ट को इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग से हटा देना। आप यहाँ पे पीएनएल में एंट्री मारते हो क्या, इंटरेस्ट अक्रूड, तो कहता है इंटरेस्ट अक्रू को हटा दो, एक्सक्लूड कर दो जब तुम पीएनएल में प्रॉफिट काउंट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि इसके मिलने के चांसेस कम है। समझ में आ गया, ओवरड्यू इंटरेस्ट, ये जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है क्योंकि इसमें तो प्रिंसिपल का पैसा अभी तक नहीं मिला तो फिर इंटरेस्ट का पैसा क्या मिलेगा। तो कहता है ओवरड्यू इंटरेस्ट को तुम हटा दो, एक्सक्लूड कर दो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग से जब आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हो। सबको समझ में आ गया, एवरीबॉडी, अकाउंट्स पढ़ते हो ना तुम लोग, वेरी गुड। कहते हैं इसके लिए आप अलग से रिजर्व क्रिएट कर दो, ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व, उसमें क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इन प्रैक्टिस ओवरड्यू इंटरेस्ट रिजर्व को क्रिएट करो और जो भी आपने यहां पे क्रेडिट किया है उसको आप क्या कर दो, हटा दो। द क्रेडिट ऑफ ओवरड्यू इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट इज रिड्यूस्ड।
जो भी आपने इंटरेस्ट अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट किया है उसको हटा के रिजर्व में डाल दो, ठीक है? समझ में आ गया? ओके बेटा, वेरी गुड बेटा जी। तो मैंने क्या बोला, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, ओवरड्यू इंटरेस्ट का क्या होता है? ओवरड्यू इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो अक्रू तो हो गया बट उसमें प्रिंसिपल भी अभी तक रिकवर नहीं हुआ। तो ऐसे इंटरेस्ट को आप इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के अकाउंट से हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे जब आप प्रॉफिट काउंट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये इसके मिलने के चांसेस कम है। तो फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के समय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग से इस अमाउंट को जो आपने लगाया है उसे हटा दो। एवरीबॉडी समझा? किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो प्लीज, और लॉजिक भी समझ में आ जाना चाहिए। समझा? बाकी के एक बार और बेटा देख, इंटरेस्ट को मिलने के कोई चांसेस हैं? प्रिंसिपल का पैसा अभी तक नहीं मिला तो इंटरेस्ट का मिलने का चांस है नहीं, है ना? तो पीएनएल में अगर तुमने अक्रूअल की यहां पे एंट्री मार दी है तो इसको हटा दे जब तुम प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी। प्रॉफिट जब यहाँ पे पीएनएल में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो ना, अक्रूअल का पैसा हटा दो। क्यों? क्योंकि अक्रू नहीं होगा, हो सकता है तुम्हें मिले ही ना, क्योंकि इस पर तो प्रिंसिपल ही नहीं मिला, ठीक है? सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट। अभी हर्ष तेरा वाला पॉइंट, एक बात बता बेटा, कहता है कि अ पेक्यूलियर फीचर रिगार्डिंग राइटिंग ऑफ ऑफ द बैड डेट। कहता है महाराष्ट्र, बताओ मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था क्या कि महाराष्ट्र स्टेट में अपने स्टेट एक्ट है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है, बोला था ना? तो कहते हैं उनके रूल्स के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली गई है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव रूल्स में। क्या बोली गई है? एज पर द रूल्स बैड डेट्स कैन बी रिटन ऑफ ओनली व्हेन दे आर सर्टिफाइड एज बैड बाय द ऑडिटर। कहता है एक पेक्यूलियर फीचर है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव रूल्स ने, यह बोला है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने बैड डेट्स को तभी राइट ऑफ कर सकती है अगर ऑडिटर बैड बोले तो। मतलब आप अपनी मर्जी से बैड डेट्स को राइट ऑफ नहीं कर सकते, अगर ऑडिटर बोलता है कि बैड है पैसा नहीं मिलेगा तो ही आप राइट ऑफ कर सकते हो। ऐसा महाराष्ट्र के स्टेट कोऑपरेटिव रूल में ये ऐसा लिखा है। बैड डेट्स आर इन रिकवरेबल लॉसेस जो आपको मिलेंगे नहीं, बट कहता है वेयर नो सच रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट। तो ये तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव रूल्स में ये लिखा हुआ है ना, हो सकता है कि दूसरे स्टेट एक्ट में ये रूल ना हो या सेंटर में तो ये रूल बना ही नहीं है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अगर ना हो तो अगर मैनेजिंग कमेटी बोलती है बैड है, मैनेजिंग कमेटी ऑथराइज कर देती है राइट ऑफ करने के लिए, तो आप कर दोगे। समझा? मतलब ये तो सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट कोऑपरेटिव रूल्स में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ऑडिटर बैड बोलेगा तो ही आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो, पर जो दूसरे स्टेट्स हैं जिनमें ये एक्ट नहीं है, तो जब अगर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी अगर ऑथराइज करती है तो आप राइट ऑफ कर दोगे। समझ में आ गया एवरीबॉडी? इतना लगा ऑडिटर से, हाँ देखो विश्वास। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स, तो मतलब बेसिकली महाराष्ट्र के स्टेट रूल्स में तो ये रूल बना है कि यार अगर बैड डेट बैड आप तभी राइट ऑफ करोगे अगर ऑडिटर उसे बोलता है कि वो बैड है। पर जहां जिन स्टेट्स में या फिर जो दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है ऊपर वाली, आपकी मैनेजिंग कमेटी अगर ऑथराइज करती है, सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ऑथराइज करती है राइट ऑफ, तो राइट ऑफ कर दोगे। समझा? बेसिक बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। स्पेशल फीचर्स क्या बोला रे मैंने? तो फिर मैम मतलब लेस देन 5 years में भी, हाँ हाँ हो सकता है राइट ऑफ हो सकता है, अगर मैनेजिंग कमिटी बोले कि राइट ऑफ कर दो तो राइट ऑफ हो जाएगा। पर महाराष्ट्र का, अगर महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ऑडिटर बैड बोलेगा तब होगा। समझ में आ गया? एग्जामिनेशन, मैंने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट था एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। जो भी डेट्स 6 महीने से 5 साल तक ड्यू है या मोर देन 5 years से ड्यू है, ऑडिटर को उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा एज बैड या गुड ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस ऑफ रिकवरी। रिकवरी के चांसेस हैं तो गुड में डाल दो, नहीं तो बैड में डाल दो। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, आप ये भी चेक कर लेना कि प्रॉपर प्रोविजन बनाया गया बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। इंटरेस्ट अप्रूव्ड, ओवरड्यू इंटरेस्ट। अब ओवरड्यू इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जिसमें प्रिंसिपल नहीं मिला, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के समय इंटरेस्ट को, ओवरड्यू इंटरेस्ट को हटा देना, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है? ओके। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट, तो कुछ स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट के रूल्स में तो ये ऐसा लिखा हुआ है कि भैया अगर ऑडिटर बोलेगा तो ही राइट ऑफ होगा, पर जहां पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे अगर मैनेजिंग कमेटी ऑथराइज करती है तो आप कर दोगे काम तमाम, ठीक है?
सेक्शन 17 में कुछ और लिखा हुआ था, याद आ रहा है तुम्हें? थोड़ा धुंधला धुंधला याद हो सकता है यार, तुम्हें याद तो कुछ नहीं आने वाला मेरे को पता है। ओके, तो बेसिकली बेटा जी मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम्हें ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करना होगा ऑडिटर को, साथ में ऑडिटर को एसेट और लाइबिलिटी के वैल्यूएशन को भी चेक करना पड़ेगा। वैसे तो एक बात सुनना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना कोई अलग से प्रोविजन नहीं बना कि तुम्हें एसेट लाइबिलिटीज को ऐसे वैल्यू करना है या ऐसे वैल्यू करना है। जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हो वही आपको यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। कोई अलग से प्रोविजन नहीं बना कि अलग से अलग तरीके से वैल्यूएशन होती है, नहीं। तो जब आप सोचो आपको ये चेक करना है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको चेक करनी है। लाइबिलिटी में फिक्स्ड एसेट भी होते हैं, सॉरी एसेट में फिक्स्ड एसेट भी होते हैं और करंट एसेट भी होते हैं, राइट? सही बोल रही हूँ क्या मैं? और लाइबिलिटीज, आपको वैल्यूएशन चेक करनी है एसेट और लाइबिलिटी की। तो एसेट में तो फिक्स्ड एसेट भी होते हैं, करंट एसेट भी होते हैं, और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन चेक करनी है। तो फिक्स्ड एसेट को आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले फिक्स्ड एसेट में ये देखोगे क्या कि फिक्स्ड एसेट एग्जिस्ट तो करता है तो सही, उसका टाइटल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे ही होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और टाइटल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे होना चाहिए फिक्स्ड एसेट का। ओके, सेकेंड चीज आप क्या देखोगे? सेकेंड चीज आप क्या ये देखोगे क्या, डेप्रिसिएशन के ऊपर आप पॉइंट देखेंगे। क्या चीज? द फिक्स्ड एसेट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस एडिक्वेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन कैसा होना चाहिए? वैल्यूएशन चेक कर रहे हो ना, तो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन से होना चाहिए क्या वैल्यूएशन? आप कोई भी फिक्स्ड एसेट को कैसे रिकॉर्ड करते हो? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटाते हो। तो कहता है फिक्स्ड एसेट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ओके, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप क्या देखोगे? जो भी इंसिडेंटल खर्चे होते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह का जो खर्चा होता है उसे कैपिटलाइज होना चाहिए क्या? एक्वायर करने के समय जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इंस्टॉल करने का एक्सपेंस, वो कैपिटलाइज होना चाहिए क्या? फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में ऐड होना चाहिए क्या? हाँ। ओके, करंट एसेट का आप क्या चेक करोगे? करंट एसेट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। सही है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। करंट एसेट कैसे वैल्यू होना चाहिए? कॉस्ट या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। लाइबिलिटी के लिए क्या चेक करोगे? नोन लाइबिलिटीज आर ब्रॉट इनटू द अकाउंट, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आर स्टेटेड बाय द वे ऑफ नोट। अच्छा, आप लाइबिलिटीज में ये चेक करोगे सारे के सारे लाइबिलिटीज अच्छे से डिस्क्लोज्ड है, और अगर कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है तो एज अ नोट डिस्क्लोज्ड है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का आप एंट्री नहीं मारते हो, पता है ना कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? अकाउंट्स में सब पढ़ कर आए हैं, व्हाट इज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी? ऐसी लाइबिलिटी जो अभी आपको पता नहीं है कि वो लाइबिलिटी आई, अनसर्टिनिटी है उस लाइबिलिटी को लेकर। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का एंट्री नहीं होता, आपको एज अ नोट उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ऑडिटर देखेगा कि सारे लाइबिलिटीज डिस्क्लोज है, मे और मे नॉट हैपन, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एज अ नोट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक और पॉइंट है, अगर फिक्स्ड एसेट जिस वैल्यू से आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है और उसकी आज की वैल्यू, अगर उसमें फार रीचिंग डिफरेंस है तो आपको एज अ नोट डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसकी करेक्ट मार्केट वैल्यू। तो कहता है इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस पे आप जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा था और उसकी प्रेजेंट मार्केट प्राइस में अगर बहुत डिफरेंस है तो आपको एक नोट देना पड़ेगा कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली आप समझ गए वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो जितने भी पॉइंट्स याद आए आप लिख सकते हो। एसेट में एक है फिक्स्ड एसेट, एक है करंट एसेट, और एक आपको लाइबिलिटी चेक करनी है। फिक्स्ड एसेट की बेसिक चीज क्या चेक करोगे? उसका एग्जिस्टेंस, उसका ओनरशिप, ठीक है? वैल्यूएशन आप देख रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, फिक्स्ड एसेट कैसे वैल्यू होना चाहिए? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, और जितने भी इंसिडेंटल खर्चे होंगे जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह का, वो कैपिटलाइज होना चाहिए। करंट एसेट कैसे वैल्यू होना चाहिए? मार्केट प्राइस और कॉस्ट, विच एवर इज लोअर। लाइबिलिटी सारी की सारी अकाउंट्स में डिस्क्लोज होनी चाहिए, अगर कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हो एज अ फुटनोट डिस्क्लोज होना चाहिए। समझ में आ गया? सारे बच्चे मुझे बताएंगे, मुंह में रसगुल्ले दबाए तुमने, जो हाँ या ना तुम्हारे मुंह से निकलता नहीं है।
बता दो मुझे, सारे बच्चों को याद हो गया? वैल्यूएशन चेक करना है एसेट लाइबिलिटी का, आपकी बुक में ना ये एज अ पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा तोड़ दिया, पॉइंट्स में तोड़ दिया, ठीक है? अच्छा ठीक है, चार्ट बना लो फिर बना लो। तो वैल्यूएशन चेक करना है बेटा एसेट का, तो एसेट में देख लेना फिक्स्ड एसेट भी होता है, करंट एसेट होता है। करंट एसेट का वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट एमआरपी व्हिचएवर इज लोअर। फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन क्या होता है? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। कोई छोटे मोटे इंस्टॉलेशन के खर्चे कैपिटलाइज हो जाते हैं, एग्जिस्टेंस तो चेक करनी ही है, लाइबिलिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए। सबको समझ आ गया? हाथ दर्द हो रहा है मेरा अभी लिखते लिखते। ओके 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 ओके, अब आगे बढ़ेंगे। देखो कहता है अधेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ऑडिटर चेक करेगा कि जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस पर्पस के लिए सेटअप हुई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी किस पर्पस के लिए सेटअप होती है? म्यूचुअल हेल्प के लिए ना, प्रॉफिट कमाना इनका मतलब नहीं होता, लोगों की मदद करने के पर्पस से ये सेट होते हैं। तो ऑडिटर चेक करेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस ऑब्जेक्ट के लिए सेटअप हुई थी वो ऑब्जेक्ट अचीव कर रही है कि नहीं, ये तो चेक करना ही पड़ेगा है? प्रॉफिट को लेके तुम कहीं कुछ घोटाला वोटाला तो नहीं कर रहे? जिस पर्पस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट हुई है उस पर्पस को अचीव कर रही है कि नहीं, बेसिक पॉइंट है एक बार पढ़ के छोड़ने के लिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट, क्या ऑडिटर ये चेक करेगा क्या कि कोऑपरेटिव सोसाइटी उस पे लगने वाले सारे एक्ट को, रूल्स को, बायलॉज को फॉलो कर रही है कि नहीं, कहीं इंफ्रिंजमेंट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक्ट को, रूल्स को, बायलॉज को कंप्लाई नहीं कर रहे हो? अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ सच इंफ्रिंजमेंट शुड बी प्रॉपरली असेस्ड बाय द ऑडिटर एंड शुड बी रिपोर्टेड। मतलब ऑडिटर ये चेक करेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लगने वाले जितने भी एक्ट है, रूल्स है, आप उसे कंप्लाई करते हो कि नहीं। अगर उसका इंफ्रिंजमेंट करते हो, मतलब नॉन कंप्लायंस करते हो, तो ऑडिटर, अच्छा अगर आप किसी चीज को नॉन कंप्लाय करते हो तो पेनल्टी लगती है क्या? तो कहता है अगर आप इंफ्रिंजमेंट कर रहे हो तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, मतलब जो पेनल्टी आप पे लगेगी, ऑडिटर असेस करेगा कि कितनी पेनल्टी लगेगी और उसको रिपोर्ट भी करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि इन्होंने इतनी पेनल्टी दी है क्योंकि इन्होंने इस पर्टिकुलर रूल को या एक्ट को फॉलो नहीं किया, एक्ट की किसी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया। समझा एवरीबॉडी? बेसिक पॉइंट्स है यार दोनों। ओके, अब इस पॉइंट को पढ़ाऊंगी मैं। ये तो क्या है कि आप जो भी मेंबर वगैरह है, मेंबर के रजिस्टर को चेक करोगे, अगर मेंबर को कोई लोन दिया हुआ है तो पासबुक वगैरह से चेक करोगे कि मेंबर को कितना लोन दिया, मेंबर से वापस लोन मिला कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करोगे, बेसिक पॉइंट है। ये आज की क्लास का मुद्दा है मेन, इस पर आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। इसके बाद मैं आपका छुट्टी दूंगी, ठीक है? मैं आपको बताती हूं, अभी तक जैसे कुछ ऐसा कुछ मेजर तो तुमने पढ़ा नहीं, बेसिक चीजें पढ़िए, क्लास के अंत तक रुकिएगा क्योंकि मैं जितना आपने अभी पढ़ाया है, हमने पूरा जितना भी पढ़ाया है उसे फिर से रजिस्टर, मतलब फिर से दिमाग में रजिस्टर करेंगे, ठीक है? ओके, अब ध्यान देना क्लास में, स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। कई बार ना ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है, अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई सीरियस इरेगुलरिटी है, कोई बहुत बड़ा इरेगुलरिटी चल रहा है, ऑडिटर ऑडिट कर रहा था और ऑडिटर को कोई सीरियस इरेगुलरिटी लगती है सोसाइटी की वर्किंग में कि बड़ा झोल है भाई, सीरियस इरेगुलरिटीज है, तो ऑडिटर को ना इन ऐसे बड़े बड़े मैटर्स को, ऐसे स्पेशल मैटर्स को सीधा रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। कहता है अब देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, अगर ऑडिटर ऐसा नोटिस करता है कि देर आर सम सीरियस इरेगुलरिटीज, कुछ बड़े पंगे कर रही है सोसाइटी, ही मे रिपोर्ट दी स्पेशल मैटर टू दी रजिस्ट्रार, ताकि रजिस्ट्रार का स्पेशल अटेंशन ला सको। रजिस्ट्रार को जैसे ही ये स्पेशल रिपोर्ट मिलेगी, रजिस्ट्रार नेसेसरी एक्शन लेगा सोसाइटी पे। आपने अभी तो कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं, मतलब मैं तो ये बोल रही बेटा इस पॉइंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रही थी, दिल पे ले लेता यार माइंड, बेटा दिल पे मत ले यार। अच्छा तुम बताओ, तुमने पूरी ऑडिट मेरे साथ पढ़ ली, तुमने 98% ऑडिट मेरे साथ पढ़ी, मुझे एक बात बताना, तुम्हें कहीं पे भी कुछ ऑडिट का कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, ऐसा हुआ क्या? देखो हो सकता है मैं तुमसे अग्री करती हूँ कि वास्ट है,
बहुत चीजें पढ़ते हो क्योंकि तुम दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, वास्ट लग सकता है, कहीं पे कुछ डिफिकल्ट लगा, कोई भी चीज डिफिकल्ट है? कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आती है क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ। जब तुम तारीफ करते थे तो मैं ही कर देती हूँ अपनी तारीफ, बट एनी वेज आगे बढ़ेंगे, आ जाओ चलो 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 ठीक है व्हाटएवर। मैंने तुम्हें क्या एक क्या दिया था उस दिन, सेल्फ बूस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सेल्फ बूस्टिंग बोलते हैं इसे, सेल्फ प्रमोशन नहीं कहते, सेल्फ बूस्टिंग कहते हैं, सेल्फ बूस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तुम्हें ही बोलती हूँ तुम भी बूस्ट करो अपने आप को, ठीक है, बूस्ट किया करो। अब तुम इतने बेशरम हो अभी भी कुछ नहीं बोलते, चलो लेट इट बी, वक्त आएगा, हर इंसान का वक्त आता है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ, बस बस अब कमेंट ज्यादा मत लिखो तुम, फिर ऐसे इमोशनल करते हो। चलो एनीवे चेस ध्यान दो, मैंने क्या बोला, अगर रजिस्ट्रार ऑडिट करने गया है, रजिस्ट्रार को सॉरी क्या बोल रही यार, अगर ऑडिटर ऑडिट करने गया है, ऑडिटर को ऑडिट के दौरान अगर कोई सीरियस इररेगुलरिटी दिखती है, अरे पंगे हो रहे हैं यार, वर्किंग आप चेक कर रहे हो और आपको सीरियस इररेगुलरिटी दिखती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रिपोर्ट बना के किसको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, और रजिस्ट्रार क्या लेगा, एक्शन लेगा। ठीक है एवरीबॉडी समझ में आ गया, एवरीबॉडी समझ में आ गया, ओके। अब किन मैटर्स पे आप रिपोर्ट दोगे, इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। आप ऑडिट करने गए, आपको कोई सीरियस इररेगुलरिटीज दिखी, तो आप एक रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को दे गए और रजिस्ट्रार प्रॉपर एक्शन लेगा, तो किन मैटर्स पे आप रिपोर्ट बनाते हो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके चार मैटर्स हैं, इन पे अगर आपको ये गलतियां दिखती है ना, तो आप स्पेशल रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को दे देना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक पॉइंट, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस परचेजेस प्रॉपर्टीज स्टोर्स, मतलब आपको फ्रॉड का कुछ पता चल गया, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड खर्चों में, परचेजेस में, स्टोर में, प्रॉपर्टी में, कोई आपको डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड हुआ है, ये तो बेसिक पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, रजिस्ट्रार को फटाफट रिपोर्ट बना के दोगे अगर आपको फ्रॉड दिखता है, पहली चीज। ये तो तुम्हें मजे हो गए, तुम्हारे एक पॉइंट फ्री का याद हो गया तुम्हें। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ मिसमैनेजमेंट, अगर आपको सोसाइटी के वर्किंग में मिसमैनेजमेंट दिखती है, डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, आप ये देख रहे हो कि मैनेजमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो डिसीजन जो ले रही है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं ले रही, अलग ही कोई डिसीजन ले रही है, मतलब मिसमैनेजमेंट हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मिसमैनेजमेंट, मैनेजमेंट ठीक काम नहीं कर रही, जो डिसीजन है उनके वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं है, अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ मिसमैनेजमेंट इन द सोसाइटी, ठीक है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है। या फिर पर्सनल प्रॉफिटेयरिंग बाय मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी, मैनेजिंग कमिटी जानबूझ के कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जिनसे उनका खुद का पर्सनल प्रॉफिटेयरिंग हो रहा है, मैनेजिंग कमिटी के लोग कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जिनसे उनका खुद का पर्सनल प्रॉफिटेयरिंग हो रहा है, विच आर अल्टीमेटली डेटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये ट्रांजैक्शंस सोसाइटी के हित में नहीं है, डेटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है पर पर्सनल प्रॉफिटेयरिंग हो रहा है, समझ में आ गया। तो बताओ स्पेशल रिपोर्ट आप कब बनाओगे, सबसे पहले तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो आप क्या बना देना, अगर फ्रॉड तुमने पकड़ लिया ना बेटा, तो फिर तो तुम फटाफट जाके रिपोर्ट इशू कर देना, या फिर तेरे को क्या लगता है कि भैया मिसमैनेजमेंट हो रहा है यार, यहाँ पे मिसमैनेजमेंट आपको दिख रहा है यार, नको मिसमैनेजमेंट, वेरी बैड, या फिर आपको क्या लगता है पर्सनल प्रॉफिटेयरिंग, मैनेजिंग कमिटी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस कर रही है जिससे पर्सनल प्रॉफिटेयरिंग कर रही है, मतलब खुद पैसे कमाने की कोशिश कर रही है ट्रांजैक्शन से, और ये ट्रांजैक्शंस आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के हित में नहीं है ये ट्रांजैक्शन, पर्सनल प्रॉफिटेयरिंग कर रही है द मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी। तीनों पॉइंट समझ में आ गए, थानुस बहुत बातें हो रही है, थानुस कह रहे हैं मैडम मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, मेरा ही नाम डाल रहे हैं लोग इधर उधर, इन द केस ऑफ मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं यार मैडम, इन द केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अगर आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, एक मिनट तूने कमेंट सेक्शन में कुछ दिया है ना,
देखा मैंने, देखा कोई बात नहीं। आओ, इन द केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अगर आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, सुनो ध्यान दे, तो इन द केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डिस प्रोपोर्शनेट एडवांसेस टू द इंटरेस्ट ग्रुप सच एज रिलेटिव ऑफ मैनेजमेंट, आप जानबूझ के एडवांसेस, अगर आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, आप जानबूझ के एडवांसेस मैनेजमेंट अपने रिलेटिव्स को दे रही है, या डेलीबरेट नेग्लिजेंस कर रही है, रिकवरी भी नहीं कर रही है एडवांसेस की, रेकलेस एडवांसिंग हो रही है, या मैनेजमेंट इज नेग्लिजेंट अबाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी, मतलब आप एडवांस देने के समय प्रॉपर सिक्योरिटी भी नहीं रख रहे हो, नेग्लिजेंटली एडवांसिंग कर रहे हो, और क्रेडिट वर्थीनेस भी चेक नहीं कर रहे हो सामने वाली पार्टी का, मतलब रेकलेस एडवांसिंग अगर हो रही है, तो आप एक रिपोर्ट बना के कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार को दे दोगे। तो मुझे बताओ, चार केस में स्पेशल रिपोर्ट बनेगी, बता दे बेटा फटाफट, बता दे फटाफट, वापस से रिपीट करूंगी मैं, चार केस में स्पेशल रिपोर्ट बनेगी अगर फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है, पहला केस, अगर आपको लगता है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मैनेजमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, या फिर पर्सनल प्रॉफिटेयरिंग हो रहा है, मेंबर्स जो है कमिटी के वो पर्सनल प्रॉफिट कमाने की कोशिश को कर रहे हैं, पर्सनल प्रॉफिटेयरिंग हो रहा है, एंड चौथा पॉइंट क्या है बेटा जी, मतलब अगर आपका कोऑपरेटिव बैंक है तो आप अपने इंटरेस्ट ग्रुप वाले लोगों को लोन या एडवांस दे रहे हो, आप नेग्लिजेंटली रिकवरी भी नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर सेफगार्ड भी नहीं, मतलब आप चार्ज भी क्रिएट नहीं करते, सेफ्टी भी नहीं रख रहे हो एडवांस देने के समय, और साथ साथ में आप सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने ही लोगों को दे रहे हो, रिकवरी भी नहीं कर रहे हो उनसे पैसा, कोई सेफ्टी भी नहीं रख रहे हो, क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक नहीं कर रहे हो कोऑपरेटिव बैंक के केस में, सबको समझ में आ गया। तो इन चार केसेस में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, स्पेशल रिपोर्ट बना के रजिस्ट्रार को दे देंगे। सारे बच्चों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया, ऐसा घोट घोट के तुम्हें मैंने ये पिलाया है ना, तुम भूलोगे नहीं। अब मेरे साथ सारे के सारे बच्चे रिवाइज करेंगे, जितने भी बच्चे हैं सबको समझ में आ गया, एक परफेक्ट थम्स अप दो, उसके बाद में अपने रिवाइज करेंगे आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने हंसते खेलते तुम्हें इसको क्लास में करवा दिया है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, सबसे पहली चीज, सेक्शन 17 क्या बोलता है, 17 से नो खतरा, 17 क्या बोलता है यार, या तो रजिस्ट्रार ऑडिट कर लेगा या किसी आदमी को बोल देगा तू ऑडिट कर दे, जो भी आदमी ऑडिट करेगा वो ओवरड्यू डेट्स को एग्जामिन करेगा, एसेट वैल्यूएशन को देखेगा, एंड तीसरी चीज क्या है, आप क्या करोगे, जो भी ऑडिटर ऑडिट करेगा, जो भी ऑडिटर ऑडिट करेगा उसको बुक्स डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस होगा, ठीक है, ऑडिट, ये सबसे पहली चीज आपने क्या पढ़ी थी, अपने सेक्शन 17 में पढ़ी थी, ओके। उसके बाद तुमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट ये पढ़ा था, सबको याद है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहां पे, मेरे को फटाफट बताओगे। फिर मैंने बोला जब तुम ऑडिट करोगे तो तीन चीजें अपने दिमाग में रखना, पहले तो कौन ऑडिट कर सकता है, कौन ऑडिट कर सकता है बता दो, फटाफट बता दो कौन ऑडिट कर सकता है, सीए तो कर ही सकता है, पर अगर कोई सीए ना हो तो स्टेट एक्ट क्या बोलता है, अरे तू सीए नहीं है क्या, तेरे पास गवर्नमेंट का डिप्लोमा है किसमें, अकाउंटेंसी में, कोऑपरेशन में, कोऑपरेटिव अकाउंट्स में, तो तू भी ऑडिट कर सकता है, या गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आप ऑडिटर रह चुके हो, गवर्नमेंट का इतना बड़ा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उसमें एज एन ऑडिटर तुमने अगर काम किया है तो तुम भी ऑडिट कर सकता है, ओके। कौन अपॉइंट करता है, रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है, किसको, ऑडिटर को। उसके बाद सेंटर ने क्या बोला, सेंट्रल एक्ट ने स्टेट को बोला कि यार तुम्हारे स्टेट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेंगे ना, तुम डिसाइड कर लेना कि क्या बुक्स क्या डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, समझ में आ गए, ओके। फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस पे ध्यान देंगे, शेयर होल्डिंग पे कितना रेस्ट्रिक्शन है, आप 20% से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के एक्स्ट्रा शेयर होल्ड नहीं कर सकते, आपकी शेयर होल्डिंग की वैल्यू 1000 रुपए से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लोन सिर्फ आप अपने मेंबर्स को ही दे सकते हो, किसी दूसरे सोसाइटी को अगर आप लोन देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल सैंक्शन लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रार की। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप मेंबर्स से लोन नहीं ले सकते, बोरोइंग्स नहीं कर सकते, दूसरे लोगों से कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला कुछ पैसे को आपको रिजर्व फंड में डालना पड़ता है हर साल, आपको प्रॉफिट को डिवाइड करने से पहले, प्रॉफिट को मेंबर्स को देने से पहले कुछ पैसा रिजर्व फंड में डाल देना, सुखी रहोगे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, आप अपना जो भी फंड्स है उसे कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, पहले बोला था इंडियन ट्रस्ट एक्ट के सेक्शन 20 में कर सकते हो, दूसरा आप किसी सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी कर सकते हो, या सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अलावा कोई दूसरा बैंक है जो रजिस्ट्रार बोले उसमें भी कर सकते हो, और चौथी चीज क्या है, दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स वगैरह में भी कर सकते हो।
बेसिक 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 बात खत्म, बेस्ट है। और क्या है, अच्छा रिजर्व फंड के पैसे को कहाँ डालोगे, रिजर्व फंड के पैसे को किधर डालोगे, या तो एज अ वर्किंग कैपिटल यूज कर लेना, या इन्वेस्ट कर देना एज पर दी प्रोविजन, या सोसाइटी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में ही लगा देना। ठीक है, बेसिक बात आपने सुन ली। उसके बाद तो अभी अभी आपने पढ़ा है ओवर ड्यू डेट्स को, ये रिपीट नहीं करूंगी, ये तो आपने अभी अभी पढ़ा है ओवर ड्यू डेट्स वाला पॉइंट। ठीक है, ये सब तो अभी अभी पढ़ा है, इसमें क्या करना है। ठीक है एवरीबॉडी, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही झकास बिंदास क्रेजी मैनर में समझ में आया, और जैसी रिविजन हमने अभी आज की क्लास में की है वैसे ही, मतलब मैंने तो आज आपको पढ़ाया है पर बहुत अच्छे से अपने बहुत चीजें बार बार बीच बीच में रिवाइज भी कर दी, वैसे ही अपनी रामबाण बैच में, बहुत ही तुम लोग मुझे हंसाओ मन, वैसे ही रामबाण बैच में हम 7th ऑफ मार्च से क्रेजी रिविजन करेंगे। लेकिन मैं एक तो चीज सबको सजेस्ट करती हूँ, जो भी बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है, सिंगल ग्रुप दे रहा है, बोथ द ग्रुप्स वालों के लिए इतना टाइम नहीं है क्लासेस का क्योंकि सेल्फ स्टडी भी करनी है, पर जो एटलीस्ट सिंगल ग्रुप वाले हैं उन्हें तो इस रामबाण में आना ही आना है। ये फास्ट ट्रैक बैच 7th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है और इसमें मैं आपकी ऑडिट की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाऊंगी, एंड आई कैन प्रॉमिस यू ऑन दैट। अपने इस रामबाण बैच में 90% आपका पूरा ऑडिट, जितनी भी चीजें 90% मतलब जितना भी हम कर पाएंगे 90% सिलेबस में पूरा का पूरा फिर से इस बैच में पढ़ा के रिवाइज करूंगी। ठीक है, ओके बच्चों, धासु एकदम धासु तरीके से होगा। ऑल राइट, चलिए, ऑल राइट बच्चों, ऑल राइट, कॉल पे ले लो मैडम, लेती हूँ बेटा। अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए जो भी मुझे देखें इस लेक्चर के बाद, आप प्लीज मेरा कोड यूज करें CA दीपिका। ओके, नहीं बेटा महेश यार, कहाँ यार, स्पेशल क्लास में नहीं होना बेटा, ये अनअकैडमी के ऊपर होगा, प्लस का ऊपर बैच होगा ये। ठीक है, ओके बेटा, चल श्वेता फटाफट फोन उठाओ, क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी बहुत बात करूं मेरे से, चलो। हेलो, हाँ जी मैम, मेरे को है ना मतलब रामबाण के सारे लेक्चर्स करने पर 12-12 घंटा प्लस हो जाएंगे ना, 12-12 घंटा प्लस हो जाएंगे मतलब खाली लेक्चर्स के अगर दोनों किया तो। ग्रुप 2 के तो अभी तो खत्म हो गए होंगे ना क्लासेस, ऑलमोस्ट मेरा जैसे ऑडिट अपना 99% खत्म हो गया, और भी दूसरे खत्म हो ही जाएंगे। हाँ अभी 10 मतलब टीचर्स बोल रहे 15 पर वो लोग खुद भी बोल रहे कि 20 तारीख तक जाएगा ऐसा। अच्छा, उसके बाद भी अगर स्टार्ट कर रहे हो। हाँ मैम, तो यार देख ले श्वेता, मैं ना रामबाण सिर्फ, मैं सबसे पहले बेसिक चीज तो उनको सजेस्ट करूंगी जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी ग्रुप टू की तैयारी ऑलरेडी चल रही है फिर आप रामबाण भी करोगे तो फिर क्या होगा, आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। वैसे तो देखो ये जो फास्ट ट्रैक बैचेस होते हैं ना, इसमें क्या होता है आपका ऑटोमेटिकली पूरा ग्रुप टू रिवाइज हो जाएगा, आपको अलग से एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो एक बार अपना स्केड्यूल देखना और उस हिसाब से आप जाना, पर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ अगर सेल्फ स्टडी करना चाहती हो तो भी कर सकती हो, पर तुम फास्ट ट्रैक में कुछ फैक्टर्स में करना चाहती हो तो भी कर सकती हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपकी रिविजन हो जाएगी, पूरी रिविजन नहीं होगी ये, बट नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो अपना ग्रुप वर्क का भी आप क्या करें रिविजन करते रहें, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो आप एक ग्रुप तो आपके टिप्स पे होना चाहिए, कल ये बात मैंने अंशिका को भी बताई थी, एक ग्रुप फिंगर टिप्स पे होना चाहिए चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2। ठीक है, एक बार अगर अच्छे से हो जाए एक ग्रुप, पढ़ाई कर रही हो ना तुम। हाँ मैम, ग्रुप 1 में सबसे पहले तुम क्या करोगे, ग्रुप 1 की प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ग्रुप 2 पढ़ दीजिए। ठीक है, पर मैम रामबाण दोनों का अटेंड करना मतलब छूटेगा तो फिर अभी अप्रैल और फिर मई हो जाएगा ना खत्म। नहीं देख, लॉस की बात नहीं है, मैं तुम बताऊँ बहुत सारे बच्चे अगर तुम मान लो सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज रिविजन करनी है। मैं तो सबसे पहले उनको बोलूंगी कि जो ग्रुप 1 वाले जो सब सिंगल ग्रुप दे रहे हैं रामबाण, तुम्हें तो आना ही आना है, तुम तो मिस भी मत करना। ग्रुप 2 में अगर बहुत सारे क्लासेस अगर अभी चल रहे हैं और पेंडिंग है तो एक बार रुक जाना, अपने टाइम को मैनेज करो, अपने टाइम टेबल को बनाओ, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम निकल के आ रहा है, पहला फोकस ग्रुप 1 पे होना चाहिए, जीवन को फोकस करना है, इसके बाद आगे। ओके मैडम, थैंक यू। ओके बच्चों, अब मेरे को ना यहाँ से आपको छुट्टी देनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव अ क्लास राइट नाउ ऑन द यूट्यूब, तो अभी मैं आपको बाय बाय बोलती हूँ, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिविजन इज द की टू सक्सेस इन CA एग्जाम्स, और अनअकैडमी पे आने के लिए यू कैन यूज माय कोड CA दीपिका। रामबाण बैच इज गोइंग टू बी दी बैच, सो
बी देयर. चलो आज के लिए इतना ही. सी यू, हैव अ गुड डे.